अस्सलाम वालेकुम, आपके मिजाज कैसे? कल तक अच्छे थे मगर आज कैसे? मैं आपके साथ हूँ आपकी दोस्त बिल्ली की गोशी, इनके बीच इनके बिंदिया, और हम आपके साथ करते हैं देसी ऑनलाइन शो। और मेरा आपका साथ होता है कितना, जितना बना लो उतना होता है, क्योंकि मैं अकेले ये शो नहीं करती, मेरे साथ ये होस्ट करते हैं शो, एक बंदा करता है। हमने बड़ी कोशिश की कि हम जो है ना वो आज ऑनलाइन टाइम पे आ जाए, पर मसला क्या हुआ, मसले मसाल इतने कि हमें पता नहीं कुदरत चाहती है या हमारे सितारे जो है ना वो हमारे साथ मेल नहीं खा रहे। हम और इस आज भी आधा घंटा लेट आ गए, वो क्यों ये हम आपको कहानी फिर से ही। और आज का जो टॉपिक है हमारा वो है कि सितारे क्या बोलते हैं और क्यों बोलते हैं। तो अगर आपको अपने सितारों पे प्रॉब्लम है, जैसे हमें तो बड़ी प्रॉब्लम है आजकल हो रही है, और मैं और आना मैं पूरे 6 बजे के कैमरे के आगे बैठे हुए, अब ऑनलाइन जाएंगे, पर हमारे सितारों ने हमें डंडी मार के खींच लिया बाहर। और मेरे साथ मेरे यूके के साथ साथ हम हैं कहाँ पे गानों में, तुम हो नहीं पर कहाँ पे हो तुम? काना काचा मुझे लग रहा था काना काचा ही होगा। Well, this is Rana Umair coming to you from Canada, काना काचा। यार कनाडा में भी काने काचे होंगे, कोई इस तरह के इंडियंस होंगे। हाँ, लंदन तो है कनाडा में, बोले भी जो है वो इस तरह के कोई नाम रखते होंगे, पीटर एल्बर्ट ये वो। अब तो यहाँ पे वैसे अब तो हमारा देसी माहौल इतना यहाँ पर हो गया है कि यहाँ पर अब हमें कराची स्ट्रीट भी मिलती है, लाहौर स्ट्रीट भी मिलती है, और इस तरह की जो है ना वो चीजें नई नई स्ट्रीट बन रही है। तो वो एक गुरुद्वारा स्ट्रीट है सरदारों की, तो अब तो हम लोग बड़े जो है ना रचते बसते जा रहे हैं इनके मस्त माहौल में। तो ये चीजें अब हम इनको अपने रंग में ढाल रहे हैं। खैर यहाँ पे बात मौजूद खबर नजर आ रही है, अपनी बातों में नहीं फंसा लेती होती है। और यस यस इज एब्सोल्युटली राइट, आज हम कोशिश कर रहे थे टाइम पे है, खिलाफ तबक्को खिलाफ मामूल, लेकिन बस क्या बोले। मुझे राणा उमैर कहते हैं, कमिंग टू लाइव ऑल द वे फ्रॉम टोरंटो सिटी ऑफ कनाडा। सभी सुनने वालों का अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदेद, फखर अगले जी आया नू अलम सलम मरहबा। पूरी दुनिया में जहां जहां तक हमारी आवाज सुनी जा रही है, वहां वहां तक मोहब्बतों के सदाबहार पैगाम, क्योंकि ये है वक्त देसी ऑनलाइन है। और हम आपके साथ आज लेकर आए हैं किस्मत का हाल, आज वो किस्मत का हाल हम आपके साथ लेकर आए हैं जो किस्मत का हाल जानने के लिए बिंदी इतने अरसे से बेताब है और जानने के लिए जो है वो तगड़ो करने लगी हुई है। सही बात है, इतने ये इल्मे माहिर नजूम के पास जाती है और कहीं पर जो है वो अपना हाथ दिखा रही होती है, कहीं पर अपना चेहरा दिखा रही होती है। और हम हाँ तो ऐसे दिखा लेती हो ठीक है ना, हाथ ऐसे दिखाती हो तो टेंशन ना ले। बीबी तेरा कुछ नहीं बनना। वाकई आज हम एक ऐसी शख्सियत को अपने साथ लेके आए हैं जिन्होंने बहुत, उनका थैंक यू सबसे पहले, क्योंकि जब मैंने उनको कांटेक्ट किया, राणा उमैर जो है ओके ओके दे देता होता है, इसको कांटेक्ट कर ले इसको कर ले, तो उन्होंने इतने प्यार से मुझसे मतलब जवाब दिया मेरे टेक्स्ट मैसेज का। और उसके बाद जब उनसे बात हुई तो ऐसा लगा ही नहीं, मुझे लगा बहुत बिछड़े हुए लोग मिल रहे हैं मुझे, और इतने मोहब्बत से इतने वॉर्मथ के साथ उन्होंने मेरे साथ जब बात की, तो मुझे लगा यार वाकई तो बिछड़ी हुई सोले जो मुझे मिल गई, और मुझे वाकई अजनबियत का बिल्कुल एहसास नहीं हुआ। वो आज आपको बताएंगी कि उन्होंने एस्ट्रोलॉजी, इल्म जफर,
इल्मेन जूम ऑल दीज थिंग्स जो है ना वो कैसे स्टार्ट की, क्यों स्टार्ट की और किस तरह स्टार्ट की. ठीक है दुनिया, एक सेकंड, ये एस्ट्रोलॉजी को उर्दू में इल्म जफर कहते हैं. हाँ मेरा ख्याल यही कहते हैं, जफर. मैंने भी इल्म पढ़ा हुआ है. वो कौन सा? वो है इल्म डफर. इसी वजह से तुम्हें तो तुम ही पढ़ सकते हो, तो तुम ही पढ़ सकते हो. एक डफर बंदा ही इल्म डफर पढ़ेगा जो वो होगा ना बड़ा क्लासी. वो इसी वजह से तुम मेरे साथ इस शो में हो. हाँ सारी बात है, एक डफर को सियाने की जरूरत में पड़ती रहती है ना, तो इसलिए डफर को सियाने की. तुम डफर पढ़ते रहे, मैं इनमें जफर पढ़ती रही, तो ये फर्क आ गया थोड़ा सा और कुछ नहीं. बड़े मजे की बात है. राधा का मुझे आज फोन आया, ठीक है सुबह बिंदिया ये एस्ट्रोलॉजी को क्या कहते हैं उर्दू में. मैंने कहा यार मेरी उर्दू इतनी अच्छी थी, जो सवाल में बताती हूँ, जो जो चीजें बताती हूँ अंग्रेजी में बताती. तो आगे से कहता है क्या फायदा हो इतनी पढ़ी लिखी माँ अदबी माँ की बेटी होने का. अच्छा मैंने मॉम को कनेक्ट करने की कोशिश की, वो यहाँ पे नहीं आजकल दुबई में होते तो नहीं मिली. मैंने इसको भी फोन किया, मैंने कहा वो कह रही है अपने पास से ही, वो कह रही है कि क्या कहते रहना मैंने तुम्हें क्या कर दो इसका नाम. बिंदिया ने अपनी तरफ से जो है ना वो चीज आप ये कह रही है इस तरह से जिसके जिसकी अच्छी कोई ताकत नहीं. तो उसके बाद फिर मैंने वाकई जब उनसे बात हुई तो फिर मैंने उनसे पूछा, ने कहा बेटा अगर इल्मे जफर थोड़ा मुश्किल लगता है तो इल्मे नजूम कर लो, दैट विल बी लवली. फिर मैंने इसको बताया दिया, आई डिड टेल हिम एक्चुअली कि हां राना मैं आई स्पोक टू माय मॉम लेटर. कुछ मैसेजेस पढ़ लेते हैं सबसे पहले. तो हीरा लाइक कह रही है आप आए बाहर आई अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच. मानोबिली कह रही है सब वालेकुम अस्सलाम. और मानोबिली ने गाने लिए यार हीरा लाइक हम बाहर का यहां पे बड़ी शिद्दत से इंतजार कर रहे हैं. आजकल तो हम आते तो स्नो आ जाती है फौरन से पहले. अस्सलाम वालेकुम मानो मिली. वालेकुम अस्सलाम. आज हमारे ये पीला कॉम्बिनेशन कैसा लग रहा है इसके बाद? मेरी इज्जत पे बात आई तो मोहब्बत में मार डालूंगा. क्या बात है आपका, मुझे बहुत अच्छा लगा है. डीपी बहुत नाइस है, बहुत प्यारी है डीपी आपकी. एक सेकंड, पहले आयशा जमशेद अस्सलाम वालेकुम कह रही है क्या हाल है. बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह. और आज खास पॉलिशिंग करके आए हैं. मैचिंग बात ही इतनी प्यारी है कि बात करते हैं ये क्या बात. मैंने बिंदिया आप बात ही इतनी प्यारी प्यार से से बात करती हैं. अच्छा थैंक यू वेरी मच, आई लव यू मानो बिल्ली, यू आर माय बेस्ट फ्रेंड इन द वर्ल्ड नाउ. मानो बिल्ली प्यारी सी म्याऊं करके दिखाओ. राना मैं जल गया. एनीवे इट्स ओके. हरियाल जी और उसके साथ साथ शफकत अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. आयशा तुमसे कह रही है आप मुझसे पूछ लेते इतना हमें भी पता है, लेकिन कभी कभार हम सब कुछ जानने बूझने के बावजूद भी अनजान बन जाते होते हैं. लेकिन अनजान अभी हम नहीं बनेंगे बिकॉज हम जानते हैं कि हमारे साथ हमें गेस्ट हमें ज्वाइन करने वाली हैं. जैसे कि बिंदिया ने उनका इंट्रोडक्शन दिया कि शी इज डेफिनेटली वेरी 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 नाइस गर्ल आई वुड से, बिकॉज माशाल्लाह से इतनी कम उम्र में जो है वो ये बड़े बड़े काम कर रही है, बड़े बड़े लोगों के बारे में जो है वो बड़ी बड़ी बातें बताती हैं. और ये इंकशाफात इनको करने का कहाँ से शौक पैदा हुआ और ये चीजें कहाँ से इनके अंदर जो है वो ये जरासीम आए और ये तमाम बातें हम जानेंगे. आप इनको पाकिस्तान के बहुत सारे मॉर्निंग शोज में टीवी शोज में भी देख चुके हैं और आज ये देसी ऑनलाइन में भी आई हैं और इनसे हम बहुत कुछ जानना चाहेंगे. सो वेलकम टू देसी ऑनलाइन शो सादिया, क्या हाल है आपके? अस्सलाम वालेकुम. सबसे पहले तो आप दोनों को कैसे हैं आप दोनों? हम दोनों बहुत ठीक है, बहुत प्यारे. राना मैं हमेशा मुझे कहता मैं बहुत प्यारा हूँ, है कोई नहीं कहने. मैं फिर कहती चलो दिल खुश कर ले अपना, मैं कहती मैं बहुत प्यारी हूँ. No doubt, you guys are fabulous. No doubt. Thank you very much. और thank you so much for your wonderful participation in the show. और आपको तो लाहौर में इस टाइम रात के 12 बज रहे हैं और ऐसे लग रहा है कि आप इस टाइम किसी बैकग्राउंड धूप आपके निकली भी है और बड़ा जो ना रोशन रोशन माशाल्लाह से आपका चेहरा भी हमें नजर आ रहा है और आपके जो बैकग्राउंड भी नजर आ रहा है. यार वो कहते हैं ना जहाँ पे हम हो थोड़ा सा जगमग तो कर ही लेते हैं. क्या बात है, बिल्कुल. थैंक यू वेरी मच आपके हमारे शो पे आने का. और ऑफ कोर्स हमारे व्यूअर्स भी आपसे अच्छे अच्छे सवाल पूछेंगे, लेकिन सबसे पहले जो मैं आपसे सवाल पूछना चाहती हूँ, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आपने एस्ट्रोलॉजी यानी के इल्मे नजम इल्मे जफर नजम हाँ
नजूम सॉरी एक सेकंड, पहले ये बिंदिया का सवाल आपसे बिंदिया सवाल पूछे, आप लोगों को बताते चलें कि आप लोग अगर कुछ पूछना चाहते हैं सादिया से तो बिल्कुल आप पूछ सकते हैं, आज ये हमारे हाथ आई हुई है, आज हमने जो है वो इनको ऐसे नहीं जाने देना, तो आप बिल्कुल जो है वो इनसे पूछ सकते हैं, अपने स्टार्स के बारे में बता सकते हैं, और मैं कुछ क्वेश्चन इनसे पूछना चाहूंगा क्योंकि बचपन से अखबार जहां मैं ना वीकली हॉरोस्कोप पढ़ता आ रहा हूँ अपना, तो वो अखबार जहां मैं जब अपना हॉरोस्कोप पढ़ता था ना तो मैं बड़ा मोटिवेट होता था, अच्छा आज का दिन मेरा अगला आने वाला दिन कैसा गुजरने वाला है, तो ये जो ये सारे नजूम होते हैं सारी चीजें होती हैं इनकी क्या क्या बेसिक्स होती हैं क्या चीजें होती हैं, सो इसके बारे में यकीनन हम जानेंगे, सो इन केस इफ यू वांट टू नो अबाउट योर स्टार्स, शबकत पूछ रहे हैं आप भी पूछना चाहते हैं तो प्लीज प्लीज बताइएगा, आपको यकीनन जो है ना सारे सवालों के जवाब देंगी, ठीक है ना, सो कैरी ऑन विद द क्वेश्चन। यस, आपने कहां से स्टार्ट किया ये एस्ट्रोलॉजी वगैरह, कहां से ख्याल है कि यार ये एस्ट्रोलॉजी मुझे पढ़नी चाहिए, या घर बैठे बैठे आया, क्या किया आपने? नहीं नहीं अच्छा सबसे पहले तो आई वुड लाइक टू टेल यू गाइस अबाउट माय सेल्फ, ठीक है। मेरा जो ताल्लुक है बेसिकली आई बिलोंग टू बिजनेस फैमिली और खुद भी मैंने MBA किया हुआ है, और मुझे मैं अक्सर ये बात अक्सर इस चीज का जिक्र करती होती हूँ कि मैं अपनी फैमिली में वाहिद नमूना हूँ जिसको इस चीज की क्यूरियोसिटी थी कि एस्ट्रोलॉजी क्या होती है, पाम रीडिंग क्या होती है, टैरो कार्ड क्या है, और ड्यू टू इसकी वजह ये थी कि कुछ आपकी लाइफ में कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हो जाते हैं जिसकी वजह से आप शायद ऐसे लोगों के पास जाते हैं या ऐसी ऐसे एस्ट्रोलॉजर्स के पास, पाम रीडर्स के पास, जस्ट यू वांट टू नो अबाउट योर फ्यूचर कि क्या होना है, किस तरह से होना है, तो उन्हीं में से कुछ लोग आपको गाइड भी करते हैं और मिस गाइड भी करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। मेरे अंदर ये एक शुरू से ही थी कि क्यूरियोसिटी थी कि वांट टू नो कि क्या होने वाला है, किस तरह से। सबसे पहले तो MA मलिक साहब मेरे नाना अब्बू के बहुत अच्छे दोस्त थे, ही इज अ वेरी वेरी फेमस पामिस्ट। तो मेरा उनके घर बहुत ज्यादा आना जाना था तो मैं उनको नाना अबू ही कहती थी, तो बल्कि मुझे ना कभी कहते होते थे वाला आई वॉज यू कैन से 10-12 ईयर्स ओल्ड, तो मुझे कहते होते थे कि पुत्र तू एक दिन ऐसे ही फील्ड ही चोना है, तो मैं उन्हें कहती होती थी नाना अबू जी क्यों मुझे 76 पढ़वाने, मेरे घर वाले मुझे निकाल देंगे। तो तुम्हें इल्हाम हो जाते हो आमतौर पे, आप कजन और बहन भाई खेलते हुए ना कोई कहते हैं ना तुम्हें बड़ा इल्हाम हो जाता है, तुम्हें बड़ा इल्हाम हो जाता है, तो कह रही थी ना कि मेरी लाइफ में ऐसे इंसिडेंट्स हुए, तो मेरे ख्याल में बचपन में ऐसी तो नहीं इंसिडेंट बातें आपको लगाई जाती थी? ऐसा तो बचपन में तो आपको पता है ऐसा कोई भी नहीं चाहता है, वो मिसहैप क्या था किस तरह से था इट्स रिलेटेड टू माय पर्सनल लाइफ, आई गॉट मैरिड एंड समथिंग हैपेंड जो कि ओके MBA जो है एक्चुअली व्हेन आई डिड माय MBA माय डॉटर वाज 3 years old, ठीक है, और उसके बाद जो है आई वेंट टू इंडिया बिकॉज मेरा ट्रेवल बहुत ज्यादा रहता है एंड आई मेट समबडी ओवर देयर और मैंने उनसे काफी ज्यादा जो है आई इनिशियली मैंने उनसे बेसिक नॉलेज ली इसकी ये क्या होता है बिकॉज आई एम अ वैदिक एस्ट्रोलॉजर, मेरी जो एक्सपर्टीज है वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में है, और उसके बाद फिर फर्दर जो है मैंने खुद से भी पढ़ा, ये बेसिकली एस्ट्रोलॉजी इज समथिंग लाइक दिस, जो प्लैनेट्स की जो चाल होती है उसको बेसिकली पढ़ने का नाम एस्ट्रोलॉजी है, इट्स साइंस, जिस तरह आप जुपिटर मार्स वीनस ये सारे मरकरी ये सारे प्लैनेट्स को आप साइंस में पढ़ते हैं, तो ये बेसिकली हमारी लाइफ में क्या किस तरीके से असरअंदाज होते हैं, वाइल द टाइम यू बॉर्न तो आपके एक बर्थ चार्ट बन जाता है जिसको कुंडली कहते हैं जो भी कह लीजिए, तो उस वक्त में जो भी प्लैनेट्स आपके बर्थ हाउस में जो एग्जिस्ट करते हैं और फिर वो बाद में आपकी लाइफ में कैसे आपको असरअंदाज होते, एक वक्त होता है इस वक्त पे भी एक प्लैनेट्स जो है वो रोटेट करते हैं, तो फिर ये एक एक्चुअली पूरी साइंस है। Anyhow, तो फिर by the time, ये वैसे ही जिस तरह आप गाड़ी चलाना तो सीख लेते हैं, फिर जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपकी एक्सपर्टीज उस पे बेहतर होती चली जाती है, और उसके बाद फिर मैंने जब मैंने उसके बाद तो ये पढ़ा, उसके बाद फिर मुझे हुआ कि व्हाट इज NLP, NLP क्या है, और ये भी जानना है आपसे बिल्कुल कि NLP आखिर क्या है, और NLP it's basically neuro linguistic programming, it's about mind sciencing,
ये आपको अपनी डेली लाइफ में आपके अपने ऊपर भी अप्लाई होती है, आप दूसरों पे भी अप्लाई कर सकते हैं. इट एक्चुअली हेल्प्स यू कि आप अपनी रिलेशनशिप्स को कैसे बेहतर कर सकते हैं, अपने कोलीग्स के साथ, अपने बच्चों के साथ, लाइफ पार्टनर, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड. सो देर आर सो मेनी फील्ड्स जिसमें आप ये आपको हेल्प करती है. बड़ी बिल्कुल ऑर्गेनाइजेशन पे बिल्कुल, जाती है, हर जगह पे है ये चीज. एंड हर देन आई जगह एम अ पे। हिप्नोथेरेपिस्ट. अच्छा, हिप्नोथेरेपिस्ट, ये बिल्कुल आपने अपना जो प्रोफाइल माशाल्लाह से देने लगी हुई है, वो तो कहते हैं ना कि हम तो इसमें दबते जा रहे हैं, दबते जा रहे हैं। माशाल्लाह इतनी सारी जो है वो आपकी अचीवमेंट से इतनी सारी चीजें हैं। सादिया, ये तो डेफिनेटली आपने अपना वो ये बता रही है, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि स्टेप बाय स्टेप आपकी बाकी चीजों की तरफ बढ़े। टॉकिंग अबाउट द स्टार्स, हम क्योंकि पर्टिकुलरली अभी स्टार्ट करते हैं उस यू नो हॉरोस्कोप और ये तमाम बातों से, जो स्टार्स का, जो सितारों का खेल होता है सारा, जिसमें आप प्रिडिक्ट करते हैं अबाउट के जी अच्छा किसका फ्यूचर किस तरह का होना है, दिन कैसा गुजरना है, आज की तारीख में आपके साथ क्या होने पाला है, वाला है, क्या होने जा रहा है। ये देखे दुनिया में, मैं वर्गो हूं, मेरे स्टार के कोई करोड़ों अरबों लोग दुनिया में बसते हैं, हर बंदे का एक जैसा, ऑब्वियस ही बात है, दिन नहीं हो सकता, हर बंदे की एक जैसी जो है वो चीजें नहीं हो सकती हैं। तो ये जो एक जेनेरिक किस्म की चीज आप लोग जो प्रिडिक्ट करते हैं कि जी अच्छा हाँ इस बंदे का इस तरह से दिन हो सकता है, अब ऑब्वियस ही बात है कोई कोई 100 बंदा पड़ा है उसमें से एक बंदे का तो दिन ऐसा निकल ही जाएगा ना, जैसा आप लोग प्रिडिक्ट करते हैं। तो ये इसमें इसमें किस हद तक सच्चाई होती है, किस हद तक जो है वो ये क्या कैलकुलेशंस क्या होती हैं इसकी? और सादिया की जो है वो और नहीं मेरे ख्याल में तो हाँ अब ठीक है, आप सही है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा मैं आपको बताती, इसमें ऐसे क्या ऐसा होता है जिस तरह एरीज टू पाइसेस 12 जॉडिक साइंस हैं, ठीक है, और उन जॉडिक साइंस में डिफरेंट डिफरेंट लोग आते हैं हर जॉडिक साइन में। अब होता है क्या, एक जनरल रीडिंग दी जाती है, जिस तरह कोई एरीज है, टॉरस है, जेमिनी है, तो उनकी एक तो बेसिक रीडिंग दी जाती है। फिर जिस वक्त होता है कि फॉर एग्जांपल समबडी इज लाइक 14 सितंबर 1990 और कुछ भी, ठीक है, और उसका फिर होता है सबसे ज्यादा एस्ट्रोलॉजी में जिस चीज की अहमियत मैं समझती हूँ वो है दैट इज योर टाइम ऑफ बर्थ। अब उस टाइम ऑफ बर्थ पे बहुत कम लोग पैदा होते हैं, बड़ी स्पेसिफिक चीज आ जाती है। फिर आपकी प्लेस ऑफ बर्थ, जब ये तीन चीजों का पता होता है तो फिर एक प्रॉपर बर्थ चार्ट बनता है जिसको हम जायचा कहते हैं, इंग्लिश में बर्थ चार्ट कहते हैं, हिंदी में कुंडली कहते हैं। और जब ये इस स्पेसिफिक इन चीजों के साथ आपकी एक डिटेल बनती है, बर्थ चार्ट बनता है, बर्थ चार्ट में हर प्लेनेट की डिग्री होती है। ये बहुत, मैंने आपको कहा ना, बहुत डेप्थ है ये, एक सेकंड्स में चीजों को देख के। तो फिर हम ठीक है, हम कुछ प्रिडिक्शंस तो दे सकते हैं लेकिन बड़ी डेप्थ के साथ देखा जाता है। हाउस की एक अहमियत होती है, और जब हम एक जनरल रीडिंग देते हैं दैट इज डिफरेंट। जब हम एक जायचे को, कुंडली को देख के प्रिडिक्शन देते हैं दैट इज टोटली डिफरेंट। अब ये जरूरी नहीं है कि कोई अगर जेमिनी है तो उसके ऊपर सारी जेमिनी की चीजें लागू होंगी, मे बी उसका साइन कुछ और हो, उसका असेंडेंट कुछ और कहता हो, उसके बर्थ चार्ट में वीनस की पोजीशन ही डिफरेंट हो, मरकरी की पोजीशन डिफरेंट हो। सो मैंने आपको कहा है ना, ये एक टोटली डिफरेंट चीज है। अच्छा फिर एक और आपको बड़े मजे की बात बताऊं जो मैं अक्सर सुनती थी और मुझे सुनने में अभी भी मिलती है, आपका क्या नाम है, आपकी माँ का क्या नाम है, और लो जी दस दियो सारा कुछ, ऐसी कोई कहानी है ही नहीं, ठीक है, ऐसा कोई चक्कर ही नहीं है, नो वे। वो जो शजरा, जिसको शजरा नसब कहते हैं, जिसको मेरे ख्याल में, जी बिल्कुल, शजरा नसब एस्ट्रोलॉजी में नहीं चलता। अच्छा नहीं चलता, बिल्कुल भी नहीं। वो जो लड़के लड़कियों की शादियों से पहले पूछ रहे होते हैं तुम्हारी माँ का, तुम्हारे बाप का क्या नाम है, ये है वो है, ये सारी झूठी बातें हैं। मुझे पहले बताती मैंने हमारे पास काफी आ रहे हैं, तो हम ज्यादा उन मैसेजेस को भी जरा साथ साथ शामिल करते चले क्योंकि लोग भी जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं। सो ओके, मेरे सितारे क्या कहते हैं, शब्द साहब पूछ रहे हैं,
आप अपने सिद्धांत के बारे में बताएं, हम आपको क्या कहते हैं, और उसके साथ 6 अप्रैल 1994 को पैदा हुआ, दिस दैट्स व्हाट ही सेड, 5 अप्रैल 1994। बाजी मौका दे दो, आई नो शफकत के साथ आपकी स्पेशल लगाव है, आप उनका मैसेज जरूर पढ़ दिए, लेकिन बाकियों के मैसेजेस भी आए। तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो रही है, मुझे ये नहीं समझ आती। इसी वजह से शफकत, इसी वजह से शफकत कह रहे हैं कि क्या हाल है प्यारे उमेर एंड बिंदिया अंकल। थैंक यू वेरी मच शफकत, थैंक यू, कीप इसको ना आपको रियलाइज कराते रहना चाहिए, बहुत तंग करता है मुझे। खैर एनीवेज चल आप बताओ आगे, समझ नहीं है इसको मैंने बोला क्या। खैर खान अमजद खान यूसुफ जी कह रहे हैं मेरा सितारा तो जो भी बोलता है उल्टा ही हो जाता है, डोंट बिलीव बाय द वे। अच्छा इस बिलीव के बारे में भी बात करेंगे, लेट मी टेल यू समथिंग, यू डोंट हैव टू बिलीव, यू नो हर चीज को ट्राई जरूर करना चाहिए। मैं इस बात पे बहुत, हाँ हम मुस्लिम हैं, हम अल्लाह पे बहुत हमारा फर्म यकीन है, हमारी कुछ आयात हमें अहदीस हमें ये भी बताती है कि जब आप अपनी मम के वूम में होते हो, शिकम में होते हो, तो अल्लाह ताला तकदीर रिस्क लिख देता है, लेकिन उसके बाद ये भी आता है कि दुआओं से तदबीरों से किस्मत बदल भी सकती है। हम खुदा खास्ता ये नहीं कह रहे कि हाँ भाई हम आपको सब कुछ बता रहे, ये एक होता है कि हाउ टू गाइड योरसेल्फ, फटाफट लोग ये कहना शुरू करें हम फिर अल्लाह पे यकीन ना करें, हम अल्लाह को, अल्लाह पे यकीन से कोई नहीं रोक रहा मेरे भाई बहनों, हम आपसे ये कह रहे हैं एवरी नॉलेज इज गुड, और हमारे वन ऑफ आवर प्रॉफिट्स अल्लाह के वो भी करते थे, और उनको अगर बुरा होता तो वो क्यों करते, बिल्कुल सही बात है। एनीवेज तो फिर फ्यूचर आगे चलो बात, बिल्कुल बिल्कुल। उसके साथ साथ मानो भी आपको सलाम कह रही है सादिया, और मेरे ख्याल में जब तक हम मैसेज पढ़ते हैं तब तक वापसी हो जाए। अजीम शौकत हाशमी, गुड शो गाइस, थैंक यू सो मच दोस्त फॉर योर पार्टिसिपेशन, होप टू सी यू सून, सी यू टुमारो इंशाल्लाह। शफकत कहते हैं कि मेरा नाम तारीख पैदाइश 5 अप्रैल 1994 है। ठीक है ठीक है शफकत साहब, आपने तो तब पैदा हुए थे जब बिंदिया जो है वो एमए भी कर चुकी थी। इसकी जुबान में इसको 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 सच बोलने से कैसे रोका जाए, ये कहा था इसको सच बोलने से कैसे रोका जाए, कोई जुबान बंदी कर दो प्लीज, सच बोलने से कैसे रोका जाए। जाहिर बात है तुम भी तो मेरे साथ ही जाते थे। आगे चलो पढ़ो, सलाम अलैकुम आमना शायद कह रही है, और उसके साथ सादिया को वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच, और फ्यूचर में क्या होने वाला है अल्लाह जानता है, आप फ्यूचर जो बता रही है उसके बाद क्या अल्लाह पे यकीन कायम रहता है, ये सारी चीजें आगे भी हम यकीनन जरूर डिटेल में बात करेंगे। एक हाथ एक आंटी ने देखा और उसने कहा कि आपके अंदर खतरनाक बीमारी है, वो नजर आती है वहीं पे। दानिश खान थैंक यू सो मच, दानिश भाई, दानिश खान 19 जनवरी 1980 कुछ दसो। जो लोगों के हमारे पास मैसेजेस आ रहे हैं जिनमें डेट ऑफ बर्थ और वो बता रहे हैं उसके बारे में हम यकीनन से पूछेंगे। तो ये शजरा नसब का ही जो ये हम लोग इस ख्याली दुनिया में और खाम ख्याली में रह रहे थे, क्या था ये आखिरकार सादिया? सादिया की तस्वीर जो है ना वो पॉज बड़े एंगल पे जाती है, बड़े नाइस एंगल पे इनकी जो है ना तस्वीर पॉज होती है माशाल्लाह, और बड़ा बड़ा अच्छा लगता है कि आप लोग इतने अच्छे अच्छे मैसेजेस कर रहे हैं। और जहां तक बात है ये जो आप हमें डेट्स भेज रहे हैं और ये चीजें भेज रहे हैं, आपको एक चीज साथ साथ में भेजते चलूं बताता चलूं बताता भी चलूं, इनकेस हम तो वैसे पूरी कोशिश करें कि सादिया से हम सब कुछ जाने, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है सब कुछ जान सकें, तो जो हमारे लिए पॉसिबल है या आपके लिए जो पॉसिबल है वो ये पॉसिबल है आप लोग इनको कनेक्ट करना चाहते हैं, अगर आप इनके साथ लिंक होना चाहते हैं तो आप जो है वो आपको लिंक इनका नजर आ रहा होगा यूट्यूब। हाँ, आगे तो जी सादिया आप हमें बताइए कि शजरा नसब का मैं एक बात यहाँ पे शेयर करना चाहती हूँ, अच्छा देखिए बात ये है कि ये जो बिलीव की बात होती है या इसमें जो होता है कि प्रिडिक्शन एंड ऑल दैट, तो इधर मैं एक बात थोड़ी सी क्लियर करना चाहती हूँ।
ये जो प्रिडिक्शन है दिस इज जस्ट लाइक अ गाइडलाइन, ये इसी तरह से है अगर जिस तरह से हम मौसम की प्रिडिक्शन लेते हैं, दैट इज जस्ट अ प्योर साइन. अगर हम कहें कि जी आंधी तूफान आने वाला है, अल्लाह पे छोड़ दो, जो होगा देखी जाएगी, तो हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, हम प्रिकॉशनली मेजर्स लेते हैं. बिल्कुल बिल्कुल Yeah, that's very true. ठीक है, हम एहतियात करते हैं, चलते सलाब उसकी एहतियाती तदाबीर कर. तो ये एस्ट्रोलॉजी इज जस्ट लाइक दिस, कि अगर आपको कोई चीज का बताया एक गाइडलाइन है बिल्कुल भास्कर जी, जो बिल्कुल गाइडलाइन, बिल्कुल। जैसे कि मैंने भी पहले और ही कहा कि जस्ट लाइक गाइडलाइन एंड इट टेक्स यू टू ए बेटर, कितना ना, मेजरमेंट्स करने के लिए. तो ये मैं इस बात से, शादी की जब तक वापसी होती है, मैं इस बात से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ। ये जो ये स्पेशली मौसम की बात करें ना बिंदिया, यहाँ पर जब से मैं टोरंटो में आया हूँ ना, अभी भी माशाल्लाह से स्नो पड़ रही है बाहर। और मैं लिटरली बताऊँ, जितनी स्नो बाहर पड़ रही है ना, कल इसकी प्रिडिक्शन थी कि तकरीबन 1 से 3 सेंटीमीटर स्नो पड़ेगी। और ये वेदर डिपार्टमेंट, मैं कहता हूँ कि इनकी सबसे बेस्ट जॉब है मेरे जैसा बंदा जॉब कर ले, क्योंकि ये ऐसी जॉब है जिसमें आप गलत भी होते हो ना तो आपकी जॉब जाती नहीं है कहीं पे भी। आप कहते हैं भाई अल्लाह का निजाम है, कुदरत का निजाम है, हम क्या कर सकते हैं। तो ये अगेन इट्स अबाउट दिस थिंग, यस्टरडे दे प्रेडिक्टेड के दी इट विल बी लाइक अबाउट 1 to 2, मैक्सिमम 3 सेंटीमीटर स्नो जो है पड़ेगी। बाहर जाके देखें वो तकरीबन मेरे ख्याल में 5 से 6 सेंटीमीटर स्नो ऑलरेडी पड़ चुकी है, और इस वजह से आग गए हैं, स्नो इतनी पड़ चुकी है। तो मैं ये ये बताऊं, बाकी ये फैक्टर। प्रेडिक्शन है, जब हम हमारे का मतलब फ्लोरिडा में तो बचपन से देखते आ रहे हैं हरिकेन आ रहा है, तो आपको ये जगह वेकेट करना. फ्लोरिडा इज द वन ऑफ द स्टेट्स जहां पे बहुत हरिकेन आते हैं. ठीक है, वो कहीं से कहीं ये हरिकेन हरिकेन, ये हरिकेन होता है, हुरिकेन होता है। होता है, हुरिकेन नहीं होता, अच्छा, हरिकेन. या प्लीज खुदा के लिए, मैंने कहा भी बस तुम्हारा जानने वाला है जो हरी है, जो कि कैन लेके आता नहीं, था। हरिकेन्स होते हैं, हुरिकेन नहीं होते. प्लीज अगर आप हुरिकेन कहते हैं तो इसको खत्म कर दें. इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन जो है वो हरिकेन की है. ठीक है, हरिकेन्स जो आते हैं और टोर्नेडोज जो आते हैं और इस तरह की जो चीजें आते हैं बेसिकली, और आपको एक पता हुर, है सबसे. एक एक हुर भी है, एक हुर भी है। वो भी वैसा ही है, और उसके उसी की वजह से हम जो है ना विकेट करते हैं जगह. और लाइक अभी पिछले साल आया था जिसकी वजह से काफी लोगों ने विकेट की थी जगह और प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए थे. तो ये वही प्रेडिक्शन है जो आपको प्रिकॉशनरी मेजर्स देते हैं कि अपनी लाइफ में ये होने वाला है, तो इंस्टेड ऑफ गेटिंग ए बिग लॉस आप उसको थोड़ा सा इधर उधर कर सकते हैं. हाँ, अंधाधुन एतबार हम कहते हैं वो बिल्कुल नहीं करना चाहिए क्योंकि अल्लाह की जात है, लेकिन अगर आप गाइडलाइंस पे जाएंगे, प्रिकॉशनरी मेजर्स को रखेंगे, तो वो फिर आपकी लाइफ को बेटर ही करेगा. ठीक है, और एब्सोल्युटली थोड़े मैसेजेस और पढ़ लेते हैं, और विल बी नाइस बिकॉज मुझे लगता है सादिया का इंटरनेट जो है ना वो थोड़ा सा और इधर उधर चला गया, इस वजह से वो फिर स्टक हो गई है नाइस से पोज में, विच इज रियली नाइस. बिल्कुल बिल्कुल। मोहम्मद शफकत ने की बात हमने कर ली. ओके जी, हमारे साथ आई है कैट क्वीन. हे, क्या बताए, दोनों बता, बहुत प्यारे प्यारे जी. ओके, दैट्स फाइन, थैंक बहुत यू. ओके, अरे बहुत बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। और नहीं, नहीं डेट ऑफ बर्थ बतानी पड़ेगी जी, बतानी पड़ेगी, शादी बिल्ली इसके बगैर नहीं पता, कुछ पता चल, डेट ऑफ बर्थ एंड टाइम ऑफ नहीं, बर्थ. नहीं यार बिल्ली, तुम एक तो मैसेज कहाँ से पढ़नी स्टार्ट कर देती हो, कहाँ से कर, क्योंकि हमने जहाँ पे छोड़े थे वो कहाँ तुम मुझे छोड़े थे। बोलने नहीं ना देते, तो इसमें मैं कहती हूँ फटाफट कुछ भी पढ़ लो शफकत ने अगर. इतने सारे दिल भेजे, तुमने उसके 4 दिल इग्नोर कर दिए हैं, और तुमने खुद ही अपने मैसेज स्टार्ट कर दिए हैं, हद हो गई शफकत के। देखे ना मैंने बोला ना कि तुम पढ़ने नहीं देते, फिर मैं कहती हूँ खुद ही से पढ़ने जो नजर आ रहा है. शफकत ने, शफकत शफकत लोग मेरे दिन भी और आपके साथ जा रहे हैं. ठीक है, क्या थैंक यू. बात है। और हाँ, उमेर भाई बिंदिया 19 की है, और अच्छा इंग्लिश ये की बिंदिया रहेगी. नहीं थैंक यू नहीं वेरी नहीं मच, आई लव ओहो, यू अरे बिंदिया. नहीं नहीं दैट्स नहीं इट, नहीं इट्स ऑल राइट, आगे चलें. ऑलराइट, चलो बस बिंदिया चलो बिंदिया अनीस बस की है, चलो बिंदिया अनीस की है, बिंदिया अनीस की नहीं है, बिंदिया फैसल की है। ठीक है, प्लीज करेक्ट मैं योरसेल्फ। अनीस की हूँ, अनीस की रहूंगी. ओके, जय 1900, जय अनीस. हाँ, थैंक यू. शफकत साहब की जो है ना, ये जो 32 निकल रही है जिसमें तारे भी लगी हुई है, बहुत अच्छा, क्या मैं शुक्रिया। क्या अब आप लोग मुझे सुन सकते हैं? हम आप आपको तो सुन सुन सकते सकते हैं हम हैं. आपको, हाँ बिल्कुल सुन सकते हैं। और हम आपकी कमी जो है ना, आपकी कमी पूरी करते करते ना, कोई आधे पौने हम भी जो है ना एस्ट्रोलॉजर बन गए हैं। अच्छा, ओके सादिया, आपने कहा ठीक है प्रेडिक्शन की हमने बात कर ली, तो आपने कहा कि जो लोग मॉम मदर का नेम लेते हैं उसकी जरूरत नहीं होती, और कहते हैं आपने ये भी बोला कि आपको टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, और उसके साथ साथ आपको डेट ऑफ बर्थ, डे और ऑफ कोर्स ईयर बताना चाहिए अपनी कुंडली बनाने के लिए, राइट? ये सब चाहिए, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. मुझे लगता है शादी आपको आवाज आ रही है हमारी?
सादिया आपको आवाज आ रही है? अब सादिया को मेरे ख्याल में हमारी आवाज नहीं आ रही है, याद ही लगता है। सादिया कैन यू हेयर अस? कैन यू हेयर अस? आपको हमारी आवाज आ रही है? मैं टेक्स्ट करके पूछ लेती हूँ उनसे, आपको हमारी आवाज आ रही है? मेरे ख्याल में शायद सादिया को हमारी आवाज नहीं आ रही है, खैर जब तक सादिया की तो ये बिंदिया यू कैन कंफर्म फ्रॉम सादिया टिल द टाइम आई एम जस्ट गोइंग सोलो, और तब तक मैं मैसेजेस पढ़ता हूँ, तुम सादिया से कोऑर्डिनेट करो और दोबारा सादिया से मुझे पढ़ने नहीं देते। आई डोंट लाइक यू, आई हेट यू मैन, आई एक्चुअली हेट यू, आई एम टेलिंग एवरीवन ऑल इन द वर्ल्ड या कि आई रियली हेट यू। Okay, okay. I'm going solo right now, and whenever you will be free, I'll unmute you and I'll bring you back to the screen. Okay? ठीक है जी। तो ये बिंदिया जो है ये जब तक सादिया से कोऑर्डिनेट करे तब तक आप मेरी प्यारी सी शक्ल जो है वो बर्दाश्त करें। मैं और मेरे दो लैम, मैं और मेरे हैकल एंड जैकल, ठीक है। अच्छा अच्छा नहीं, ये यहाँ पे हम पहुंच गए थे, उसके साथ साथ वी हैव गॉट एक्चुअली मेरा सितारा ब्लैक होल में चला गया है, काले 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 सुराख से चला गया है। कोई गटर तो नहीं है ऐसी जिसपे नो अक्सर गटर खुले हुए मिलते हैं हमें पाकिस्तान में या इधर भी मिल जाते होते हैं कभी कभार, लेकिन इधर कम मिलते हैं, तो वहां पर भी अक्सर लोग जो है ना वो इंसिडेंट्स होते हैं, तो कि आपके साथ भी ऐसा चक्कर तो नहीं हो गया? खैर उसके साथ साथ टेल मी माय फ्यूचर, मुझे अपना फ्यूचर जानना है, मुझे अपना मुस्तकबिल जानना है। अच्छा मुस्तकबिल के बारे में अगर हम बात करें ना, एक फैक्ट है, हर बंदा एवरीबडी वॉन्ट्स टू नो गुड थिंग अबाउट द फ्यूचर, मतलब कोई बंदा ये नहीं जानना चाहता कि मेरे साथ क्या बुरी चीज होने वाली है, क्या मेरे साथ मिसहैप होने वाला है, क्या मेरी लाइफ में टेंशन स्ट्रेस परेशानी आने वाली है। आप अच्छी अच्छी बातें बताते हैं तो हर बंदा वो जानने चाह रहा होता है, लेकिन बुरी बुरी बातें नोबडी वांट्स टू नो। तो आप ये भी जानना चाह रहे होंगे यकीनन। करंट डेट ऑफ बर्थ इज 5 अप्रैल 1994 और बालाकोट केपी के। ओ यार ये बालक यार शफकत साहब, ये बालाकोट वही वाला है जहां पर वो नाल वाले पड़ोसिया ने कहा थी कि हम आए हमने जो है वो 300 दहशतगर्द मारे और हम मार के चले गए। ये बालाकोट में मुझे बता, आपने कोई आई विटनेस कोई चीज की है नहीं की? या ये आप बालाकोट से कई बार शिफ्ट हो चुके हैं, ये भी जरूर मुझे बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। उसके साथ साथ हाय हाय डेट ऑफ बर्थ बताना पड़ेगी। डेट ऑफ बर्थ बताना मुझे पता प्रॉब्लम नहीं होगी, ईयर ऑफ बर्थ बतानी प्रॉब्लम होगी। बिंदिया वैसे तुम स्क्रीन पे मौजूद हो इस टाइम, इन केस अगर तुम्हें सबको शुभ बात थोड़े से और तुम बोल सकती हो। वैसे मैंने यार कभी इस फीचर का इस्तेमाल नहीं किया, जहां भी मुझे तुम मैं म्यूट कर सकता हूं तुम्हें। तुम निखरारी करना चाहते हो हाँ? म्यूट कर देता है सबको। कैट कैट क्वीन कह रही है यारी प्यारी बिंदिया, थैंक यू वेरी मच, वेलकम सादिया। आई यूज्ड टू फॉलो हर इन द मॉर्निंग शोज, बिल्कुल अच्छी बात है, आप इनको मॉर्निंग शोज में फॉलो करती थी। और उसके साथ साथ राणा मेहर ने मैसेज किया, राणा मेहर ने वो सादिया का यूट्यूब का लिंक शेयर किया है, तो ये लिंक अगर आप सादिया को हमारे शो में फॉलो करें वेल एंड गुड, बट इनकेस अगर आप इनको वैसे भी फॉलो करना चाहते हैं तो आप इनके यूट्यूब पे जा सकते हैं, जहाँ पर ये रेगुलर बेसिस पे अपना जो है वो हॉरोस्कोप लोगों का जो है वो अपडेट करती हैं, आप इनसे क्वेश्चन भी कर सकते हैं। और इनकेस अगर आप फेसबुक पे फॉलो करना चाहते हैं तो इनका फेसबुक का पेज है जो कि आपको इस टाइम स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। थैंक यू सो मच कैट क्वीन, शुक्र मेहर भाई, वालेकुम शुक्र, थैंक यू सो मच। जुल्कनैन अबिश खटक, कल नहीं आज पाकिस्तान में तो आज हो चुकी है, अगर आप पाकिस्तान में हैप्पी बर्थडे रॉबर्ट, ठीक है ना। और उसके साथ साथ अपनी अच्छी अच्छी सालगिरह मनाएं। शफकत के कमेंट्स इग्नोर कर रही हो क्या? नहीं नहीं मैं नहीं कर रही, मुझे पढ़ने नहीं देता, ये डिलीट कर देता है फटाफट से ताकि मैं देख ना सकूं। शफकत ये चाहता है मेरी आपकी लड़ाई हो जाए, दैट्स ऑल। राणा पता है कितना कितनी टेंशन, जालिम समाज, जालिम जालिम समाज बन जाता है राणा मेहर, है ना। या अच्छा शफकत आप पश्तो बोलते हो, क्या बोलते हो, लाइक व्हाट्स योर लैंग्वेज, आप कौन सी लैंग्वेज में कम्युनिकेट करते हो, आई वांट टू नो दिस एज़ वेल। बालाकोट के बारे में जरूर बताना, ठीक है। हाँ बालाकोट के जरूर बताना कि वो आए या नहीं आए, सिर्फ फड़े मारते रहे, वो ये भी जानना चाहते। दोबारा दोबारा कनेक्ट करें, ठीक है बिल्कुल। के साथ ऐसा कह रही है 18 अगस्त मुझसे 10 दिन बड़ी है ये 1991 10 दिन मुझसे बड़ी है। 10 दिन और कुछ साल बड़ी है बस, और तो कोई फर्क नहीं है।
कुछ खास होना है या नहीं, बोरिंग रूटीन? नहीं शादी अच्छी आएगी, रूटीन आपकी भी बहुत नाइस आएगी और होपफुली ये शादी आपको कनेक्ट होंगी, ठीक है मुझसे ना? मुझसे मुझसे 10 दिन बड़ी हैं और पाकिस्तान से 4 दिन छोटी हैं और कुछ साल छोटी हैं, ठीक है। और उसके साथ एक दो सेकंड पहले हम गिराते तो हमारे मोहल्ला तबाह हो जाता, बहुत जोरदार धमाके हुए। ओए होए 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 मैंने चेंज नहीं किया, देखो मुझे दिखाओ क्या हो रहा है। क्या हाँ क्या पे क्या हो रहा है? कहीं भी नहीं, मैंने इनको कहा है सादियों की सादिया दोबारा कनेक्ट करने उससे। सादिया सादिया की दोबारा हमें नोटिफाई हुआ है कि सादिया की जो है वो आमद आमद हो गई है, लेकिन सादिया अभी तक हमें नजर नहीं आ रही है। जैसे ही हमें सादिया नजर आएंगी, और सादिया नजर आ गई, क्या बात है सादिया, हमें इतनी खुशी, मुझे यकीन जानिए कि मेरा बच्चा रोए बगैर स्कूल जाए उतनी खुशी मुझे तब नहीं होती जितनी मुझे खुशी आपके कनेक्ट होने की होती है। थैंक यू वेरी मच। माशाल्लाह माशाल्लाह सादिया। अच्छा फाइनली मैं मुझे आप नजर आ गई हो यार। फाइनली अब हम हमारा चलो कनेक्शन खत्म नहीं होगा, अब पक्का रहेगा, सी तो अब देखेगा। दैट्स ग्रेट दैट्स ग्रेट। चलो ये अच्छी अच्छा सादिया, लोग जो है वो अपनी डेट ऑफ बर्थ भेज रहे हैं, पूछ रहे हैं कि जी हमारे साथ क्या होने वाला है, हमारी जिंदगी में किस किस्म की जो है ओके वो खलबली मचने वाली है, तो ये इस बारे में प्लीज। कुछ बता सकती हैं आप, जो जिन लोगों ने अभी तक डेट ऑफ यस बर्थ भेज दिए हैं? चले आप प्लीज शफकत से यस स्टार्ट कीजिए। शफकत की है 5th of April 1991। 4 1994 ये देखे क्या शफकत, ये देखो 3 साल तुम्हें बढ़ा दिया। फर्क पड़ता है? सो 4th April, नहीं नहीं फिफ्थ ऑफ फोर्थ अप्रैल अप्रैल नाइनटीन फिफ्थ नाइनटी फोर फिफ्थ ऑफ 1994 या तो ये बताएं 1994। ओके जी, बालाकोट में पैदा हुए हैं ये, उनकी लाइफ में वही क्या चल बालाकोट जहां पे इंडिया कह रहा है कि हमने 300 बंदे मार के गए। और नहीं इनको पता नहीं चला वहां पे, पता नहीं। हाँ नहीं इनको पता लगा, लेकिन वो कहते हैं बंदे जिंदे कोई नहीं मरे। सिर्फ और दरख्त थोड़े उन्होंने, दरख्त फोड़े हैं, शजरकारी जो मुहिम है उसको टारगेट किया। बेचारे इमरान खान की। हाँ तो जी चले और अभी हम सादिया सब जो है वो सादिया सादिया जब तक चरण चरण नहीं क्या जो भी नसब निकाल रही है तब तक हम कुछ मैसेजेस कर रहे हैं, और उसके साथ साथ वी हैव गॉट, तो बार बार अपनी डेट ऑफ बर्थ भेजी है, बार बार भेजी है भाई, सबसे पहले इसी वजह से तेरे ही पड़ा। मैं देखो शफकत आपका सबसे पहले पढ़ा, आपने मुझे बताया नहीं कि आप कौन सी क्या बोलते हो, लाइक पश्तो बोलते हो, क्या बोलते हो, फारसी बोलते हो, लाइक व्हाट डू यू स्पीक इन जनरल? आई वांट टू नो दिस एक्चुअली। व्हाट डू यू स्पीक इन जनरल एंड व्हाट डू यू स्पीक इन कर्नल और मेजर, ठीक है ना। उसके साथ साथ बहुत अंग्रेजी बोलते हमारी हैं जनरल मेजर कर्नल के साथ तो सिर्फ। ओके और कभी कभी उर्दू भी बोल लेते हैं। ओके हम अरियानी अरियानी नहीं करते, ये क्या बात, समझ नहीं है मुझे आपकी अरे बात। उरियानी लाइक यारी नहीं करते, अयाल चलाकिया नहीं करते, अयारी। चलाकियां नहीं ओ करते, माय क्या गॉड, तुम्हें बात तो मुझे लगता है उर्दू भी मुझे सिखानी पड़ेगी, अंग्रेजी की तो मैंने लिया था बेटा, उर्दू भी सिखाऊं तुम्हें? कर दो यार, आई नीड बिंदिया बिंदिया, तुम्हारी इन बातों को सुन के आंखों में आंसू आ जाते हैं। अच्छा इन्होंने अच्छा पूछा क्या है, सॉरी इनकी लाइफ में क्या इन्होंने होने वाला है, कोई नौकरी शौकरी मिलेगी बेचारे को कि नहीं, बिकॉज इनका इंटरव्यू था मुझे अच्छी तरह याद है इस बात। अच्छा अब ओके जॉब 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 ओके देखिए जॉब के हवाले से तो ये है कि रिसेंटली इनफैक्ट इनको कोई ऑफर या कोई ऐसी चीज आई है, मगर शायद इनकी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक नहीं थी, ओ और इन्होंने उसको कोई बहुत ज्यादा सीरियसली नहीं लिया, अच्छा, और और शफकत अभी इस टाइम जो है इन्होंने ना खड़े कोई खड़े गिर गया आपकी इस बात पे। आई एम श्योर अबाउट दिस शायद थिंग। गिर गए हो। नहीं बिल्कुल राना मैं कब इग्नोर कर दे समटाइम, नहीं ये थोड़ा ना इसने मीठा ज्यादा खा लिया, इसको शुगर रश हो गया। दैट्स ओके आई डोंट माइंड दैट्स ओके एनीवे, लेकिन ये है कि अगर मैक्सिमम बाय जो है ना मिड ऑफ मार्च वंस अगेन कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आती है तो ही शुड एक्सेप्ट इट, क्योंकि अभी भी शायद वो या तो कोई या तो ऑलरेडी किसी जॉब में है और कोई चेंज आएगा, क्योंकि क्या मुझे नहीं ऐसा लगता कि वो किसी जॉब में नहीं है, ठीक है बात है क्या बात मुझे है। शफकत साहब कोई जॉब को ऐसा सीरियस भी ले लिया करें, कि सारा दिन जो लगता है वो है। अच्छा बेली हाथ लगाया करें। एक और हमारे हैं व्यूअर काशिप कुरैशी, उन्होंने कहा उनकी 19th of July एक 19 सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, काशिप से पहले जो पहले वाले भाई हैं, भाई इतने सारे हैं, उन्होंने जो पूछा हुआ है दानिश खान, नाइनटीन जनवरी 19 जनवरी 1980
187 वाले भाई, ये तो मुझसे भी बहुत बड़े हैं आप तो। इस बेचारे 19 जनवरी 1981 इज आस्किंग जिसका जवाब एक टाइम पे दिया जा सकता है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा ये हम आपको पहले बता दें, आपने कुछ पर्टिकुलरली पूछना है तो पूछे, लेकिन अगर आपने वैसे ओवरऑल पूछना है तो उसके लिए सादिया के हमने लिंक शेयर किए कि सादिया का यूट्यूब चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, सादिया का आप जो है वो फेसबुक पेज फॉलो कर सकते हैं, और अगर आप इनको मैसेज करेंगे इनका कॉन्टेक्ट वहां पे जो अवेलेबल है ईमेल के या फिर जिस तरह से भी आप इनको मैसेज करके पूछना चाहेंगे वो फिर आपको उधर मजीद तफसीला देंगे। ठीक है जी, तो ये जो आप इन जनरल मत पूछे जो लोग डेट्स पूछ भेज रहे हैं और कुछ नहीं हमने पूछे। yes. ठीक है, सो ये अपना सवाल भी बता सकते हैं कि आप क्या पूछना चाह रहे हैं, बिकॉज इन जनरल तो बहुत कुछ है और इन जनरल जी बिल्कुल तो बात चल निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। ठीक है ना, बिल्कुल आपने सही कहा। चले अब इनका जो है ना जिनका बिजनेस या पैसे इन्हीं का बताए कि रुपया पैसे का, आजकल लोगों को रुपया पैसे की ज्यादा पैसे का बिंदिया की लॉटरी के बारे में आपने बताया, लेकिन बिंदिया कभी भी अपना ईयर ऑफ बर्थ ऑनर नहीं शेयर करेगी, मैं गारंटी से कह सकता हूँ। टाइम पीरियड जहाँ पे कॉम्प्लिकेशंस रिलेटेड आइदर वर्क यानी कि अगर कोई बिजनेस पार्टनरशिप है या फिर लाइफ पार्टनरशिप है, यू नीड टू लो डाउन योर टेम्परामेंट्स अ लॉट। बिंदिया का बिजनेस पार्टनर हूँ मैं। बिंदिया का लाइफ पार्टनर है फैसल। और जो मेरा वर्क पार्टनर है वो दुबई गया हुआ है। सो मेरी अपनी बेटी लिब्रा है माशाल्लाह एंड शी इज मैरिड अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये तो बड़ी बढ़िया आपने इंकिशाफ किया हमारे पे। हाँ, अच्छा माशाल्लाह बहुत मुबारक हो आपको। कुछ और लिब्रा की ना बनती भी बहुत है और जमती भी नहीं है, बस ऐसे पाइसेस जो है वो एक ऐसा स्टार है जो बेसिकली जिसको अगर हम कैद करना चाहेंगे तो हाथ से फिसल जाएगा, उसको प्यार मछली। और लिब्रा में प्रॉब्लम ये होती है कि उसको हर चीज जस्टिस के साथ चाहिए होती है, वो चाहे अपने को चाहे प्रॉब्लम हो जाए वो झूठ नहीं बोले, पर उसके साथ तो यूं हुआ ना ऐसे क्यों लेकिन इट्स लव एंड हेट रिलेशनशिप व्हिच इज वेरी डीप एक्चुअली। भाई थैंक यू सो मच, और उसके साथ साथ शफकत आपने अपना बेटा बता दिया है, और कह रही है सादिया ऐसा कह रही है कि ओ मेरी का इग्नोर कर दिया 88991। हमने आपको पूछे आप दो स्पेसिफिकली पर्टिकुलरली कुछ पूछना चाहती हैं, शादी का पूछना चाहती हैं, रिलेशनशिप्स का पूछना चाहती हैं, जॉब का, तो यू नीड टू टेल अस वेरी स्पेसिफिकली क्या पूछना चाहते हो। ठीक है, आशा भाई ने भी जो है ना वो डेट ऑफ बर्थ भेज दिया, हीरो बर्थ भेज दिया, लेकिन ये नहीं पूछा कि पायन रियल स्टेट इन्होंने और कितना छाना है रियल स्टेट के साथ साथ मॉर्गेज को भी। और जुल्कनैन कह रहे हैं माय प्लेस ऑफ बर्थ इज कुहाट, गुड, आप जाना चाहते हैं, अल्लाह रहम करेगा इंशाल्लाह, बिल्कुल। और शफकत कह रहे हैं कि हम हिंद को जबान बोलते हैं, मुझे नहीं आती अश्नी गश्नी का बता मुझे, अश्नी हो गश्नी हो आज जा रहे हो कहां, पता नहीं क्या क्या, ये अक्सर ये दिमागी तौर पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है इसको। एनीवेज शफकत साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और वो कह रहे हैं कि मैं ऑलरेडी जॉब करता हूँ, नई जॉब अप्लाई किया है, ये जो शफकत आपने बताया ना
आपने बिल्कुल आप ऑलरेडी वो काम कर रहे हैं, लेकिन नई जॉब के लिए आपकी शायद हो सकता है एक्सपेक्टेशन ज्यादा हो, या जो भी सूरत हाल चल रही है उसको आप लेके चल रहे हैं। मेरा भूल गया, अब तो वैसे ही 10 दिन बड़ी हूँ, यो बाजी को बुला दिया है, बाजी को बुला दिया, बाजी वापस आ गई है, ठीक है ना। तो अब ठीक है, और वो काशिप कुरैशी कह रहे हैं, हमारे काशिप कुरैशी पूछ रहे हैं कि मैं अपने रियल स्टेट बिजनेस के बारे में जानना चाहता हूँ, उनकी जो और डेट रियल ऑफ एस्टेट, हाँ आप बर्थ, उनको बताते हैं, वो जुलाई में पैदा हुए हैं, वो 1976। 19 जुलाई 1976 में पैदा हुए। ही इज वेरी ही लिव्स इन टोरंटो, टोरंटो में रहते हैं वो, सबर्ब में रहते हैं, और यहाँ पर वो उनका 19 जुलाई 19, सॉरी 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 सॉरी, 19 जुलाई 1976, 76, और ये अब 76। माशाल्लाह से मॉर्गेज और मॉर्गेज के साथ रियल स्टेट की दुनिया में आए हैं, और वो जानना चाहते हैं कि रियल स्टेट की दुनिया में उन कितने नोट उन्होंने और कमाने हैं, कितने छापने पैसे उन्होंने कमाने हैं, और हैं, ये क्या तो भी क्या। बता। अच्छा, इनके लिए जो 2018 था वो इतना हाँ अच्छा नहीं था, इसमें इनको कुछ सेटबैक मिले हैं, ठीक है। लेकिन ये जो 2000 जो 18 से ही टाइम पीरियड स्टार्ट हुआ है, ऑल ऑफ अ सडन ही इज हैविंग अ गुड ग्रिप ऑन हिज वर्क। और अब हाँ मार्च 2019 से इनके लिए चीजें बहुत अच्छी और बड़ी तेजी से आगे की तरफ जाएंगी। चूंकि जबरदस्त, 17 और 18 दोनों अच्छे नहीं थे, और अब जो है ये 19 इज अ गुड टाइम पीरियड, बल्कि ये रियल स्टेट से हटके भी कोई काम करेंगे। दे क्या समथिंग बात न्यू इज है। कमिंग इन लाइफ। हम ये वैसे माशाल्लाह से ही इज अ काइंड ऑफ अ हरफन मौला, वेरी वेरी फिट, और बड़ी चीजों में जो है ना वो ये एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। ये काशिप भाई, मार्च का आगाज कल हमारी मुलाकात होने वाली है, तो बड़ा जबरदस्त होगा उस मीटिंग और दोस्तों की गेट टुगेदर के साथ, तो आई एम श्योर कि उसके बाद जो है ना वो चीजें अच्छी होंगी, डेफिनेटली। ठीक ये है, कोई कोई व्हीकल से रिलेटेड भी कोई काम करेंगे, गाड़ियों से समथिंग रिलेटेड, गाड़ियों से रिलेटेड। गाड़ियों हाँ ठीक है, इसमें भी बहुत पैसा है, बहुत पैसा है यहाँ पे, पैसा, हर जगह पैसा है यार व्हीकल में हर तो। जगह पैसा है। अच्छा, ऋषभ के साथ कहेंगे जी मिले नहीं मिलेगी जॉब, मतलब मुझे नहीं नहीं मिलेगी, मिलेगी, लेकिन यू नीड टू फोकस एज वेल। सबको तो उन्होंने ये कहा है कि आप खुद ही अपॉर्चुनिटीज को ना ठुडा लगा रहे हैं, उसको ठुडा मत मतलब लगाएं, आप फोकस रखें, और उसके बाद जहां आपकी जो तो छोटी उम्मीदें। अपॉर्चुनिटीज भी हैं, अगर कोई होता है ना, समटाइम्स द पे इज नॉट गुड और समथिंग लाइक दैट, तो फिलहाल उसको भी थोड़ा सा कंसिडर कर ले, बिकॉज इन इन अ मंथ और सो द गुड अपॉर्चुनिटीज कमिंग। तो फिलहाल ही नीड्स टू फिक्स अप समवेयर बाय हिमसेल्फ। अच्छा जी, उसके साथ साथ नूरुल कुरैशी 14th मार्च 1989, और ये पूछ रही है अबाउट द रिलेशनशिप। इन्होंने मुझे ऑफ जो है ना मुझे मैसेज करते, हमारी बड़ी जबरदस्त बहन है, शो में भी शामिल हुई थी हमारे कुछ वीक पहले, कौन गई थी सी मार्च 14th 14 मार्च नाइनटीन एटी नाइन और वो जानना चाह रही है अपने हाँ रिलेशनशिप के बारे में, कि मेरे रिलेशनशिप सीधे ना पूछे शादी कब होगी यार नूरलैन यही तो शादी पूछना कब चाह रही है। होगी, वो ये नहीं जानना नहीं चाह रही है ना, वैसे उस जो जिनके साथ वो शादी करना चाह रही है उनके साथ कंटिन्यू होगा रिलेशनशिप। शादी तुम भी ना अपने सवाल डालते रहो, नहीं शादियां देखेंगे, रिलेशनशिप जो है वो सक्सेसफुल होगा, शादी तक जाएगा, और इस आप प्लीज कीजिए, ये अपने सवाल बहुत डाल देता है बीच में। ठीक है, नहीं लेकिन इन्होंने उनकी डेट ऑफ बर्थ नहीं बताई जिनसे करना चाहती हैं, नहीं, बिकॉज उनकी द डेट ऑफ बर्थ नहीं बताई। कंपैटिबिलिटी नहीं, मेरे इज ख्याल में वेरी शीज इंपॉर्टेंट। जस्ट लाइक इस रिलेशनशिप कैसा जाएगा, विल इट बी सक्सेस, लाइक किसी भी रिलेशनशिप में होंगी तो सक्सेसफुल होगा, या दे विल बी अनदर ओके ओके रिलेशनशिप, कुछ इस तरह इन गाइडलाइंस के बारे में जानना ओके चाहती हूँ। ओके। इनको मैं इतना बता दूं, शी इज अ वेरी स्टबर्न एंड अ वेरी डोमिनेटिंग सॉर्ट ऑफ अ गर्ल, ठीक है। और इनके लिए ऑलरेडी लाइफ में कोई एक कमिटमेंट या कोई एक ऐसा मामला होके खत्म हो चुका है ऑन अ वेरी बैड नोट, ठीक है। और अब इनको सिर्फ मैं ये कहूंगी कि शी नीड्स टू बी थोड़ा सा वेरी, शी नीड्स टू बी वेरी मेलो, और थोड़ा सा अपने वो एक डोमिनेंसी या जजमेंटल जो हो जाती है ना बहुत जल्दी, कि बंदों बस के मेरे बारे में मुताबिक अगर किसी, रिलेशनशिप, हाँ 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 रिलेशनशिप में शी नीड्स टू बी वेरी केयरफुल, बट दिस ईयर इज अ वेरी गुड ईयर, आफ्टर मे शी इज गेटिंग कमिटेड। और अगर मैं से फिर, बट शी इज मंगलिक, शी इज मंगलिक, अगर ये बंदा भी मंगलिक उसी लेवल का है तो बात जमेगी, वरना मुश्किल है। ओके। और ये पाइसेस है वैसे, बाय द वे आपको बता दूं, हाँ पाइसेस पाइसेस होना,
अच्छा अब मैं यहाँ पे ये बात क्लियर कर दूँ, पाइसेस होना इट्स नॉट रियली इम्पोर्टेंट. हम जब बर्थ चार्ट देखते हैं, हम जब कुंडली बनाते हैं, तो इनका मून साइन अब जो है वो टॉरस है, और साथ मंगल बैठा हुआ है, गुरु बैठा हुआ है. सो दिस इज रियली इम्पोर्टेंट कि इनके लिए बंदा भी मंगलिक उसी लेवल का हो, अदरवाइज इनकी नहीं जमेगी. नूर लायन सुन ली है ना, तो ये थोड़ी सी डोमिनेशन जो है ना इसको कम करो। और हाँ, ये जो बिंदिया बिंदिया को तुम फॉलो कर रही हो ना, मुझे बिंदिया मत को फॉलो बोलो, करना बंद करे। बड़ा 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 इसके लिए साहस चाहिए फॉलो करने के लिए मुझे. हाँ आयशा जमशेद कह रही है ऐसा लग रहा है लास्ट वीक वाले प्रोग्राम का सेकंड पार्ट है। बिल्कुल बिंदिया जो है जोश मार रही है। मैं तुम्हारा ओके फाइन इग्नोर हिम. ओके हमें आलिया खान ने कहा वो 10 जून 1986 को पैदा हुई है, वो अपनी शादी के बारे में जानना चाहती हैं. वो कह रही हैं कि करनी तो अबाउट आई है मैरिज कि नहीं? करनी चाहिए नहीं करनी करनी चाहिए, तो कब तक होगी? ये 3 सवाल है आलिया, पहले बताओ पूछ लो शादी कब तक तो होगी. आप उनकी डेट ऑफ बर्थ है 10th of June 1986. कब और तक इससे पहले एक सेकेंड, एक थोड़ी सी वो चीज नूरलैन पूछ रहे, डिफाइंड मांगलिक, ये जरा मांगलिक को डिफाइंड करते हैं, उनको तो समझ नहीं आई ये बात। अच्छा मांगलिक क्या होता है? बेसिकली द प्लैनेट मार्स, जिसको इंग्लिश में मार्स का कहा जाता है, उर्दू में मरीख कहा जाता है, और हिंदी में मंगल कहा जाता है. और अगर अच्छा ये शादी वाले किसी भी घर को डिस्टर्ब करता है, तो बेसिकली फॉर गर्ल्स, अगर हम अर्ली एज में शादी कर लेते हैं लाइक बिफोर 30, तो प्रोबेबली ये और फिर हमने कंपेटिबिलिटी चेक करनी होती है. अगर दोनों इक्वली लेवल के मांगलिक हो तो बात बन जाती है, ना हो तो फिर वी हैव टू डू सम काइंड ऑफ रेमेडीज, लाइक कुछ जेमस्टोन्स होते हैं, कुछ सिक्के होते हैं. लेकिन उसके बावजूद मैं सबसे ज्यादा जिस चीज पे बिलीव, जेमस्टोन्स ना सिक्के ना कुछ और, मैं बिलीव करती हूँ कि आपकी अच्छी कंपेटिबिलिटी होनी चाहिए. कंपैटिबिलिटी बिल्कुल होनी चाहिए, ये बिल्कुल आपने बता दिया। इन केस आप डिटेल जानना चाहती है तो आप इनको जो है वो इनके पेज पे भी कनेक्ट हो सकती हैं। उसके साथ आलिया खान के बारे में बताई थी, और आलिया खान के बारे में बताने के बाद हम फिर फर्दर आगे बाकी चीजों को कंटिन्यू करेंगे। द 10 जून 1986 इज द डेट ऑफ बर्थ एंड शी वॉन्ट्स टू नो अबाउट हर मैरिज, करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, अगर करनी चाहिए तो कब तक होगी शादी मेरी, बताए मुझे, ये आलिया खान। ओके आलिया के लिए ये है कि थोड़ा सा मन मौजी टाइप बंदी हैं, और इनकी लाइफ में चेंजेस बड़ी जल्दी आते हैं रिलेशनशिप को लेके. लाइक कोई कभी इधर से आता है, कभी कोई उधर से आता है, कुछ इस टाइप के मामलात बड़ी जल्दी आ जाते हैं. कभी ये लोगों से तंग आ जाती हैं, कभी लोग. ठीक है ठीक है. सो एक स्टेबिलिटी मुझे जरा कम नजर आती है, बट समहाउ समहाउ फॉर द वेरी फर्स्ट लाइफ शी इज. मेरा ख्याल है फिर सादिया ये इनकी के आवाज थोड़ी सी कट रही है और सिग्नल थोड़े से ड्रॉप हो रहे हैं इस वजह से ये बात, बट अगेन आई ठीक है. गेस। हाँ हाँ जी हाँ अब ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल फाइन बिल्कुल। ओ लैंप आ है. गया ओके नजर। ठहरो 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 ठहरो. अब ठीक हाँ है. ठीक ठीक है। हाँ है क्या फाइन. बात, बिल्कुल जबरदस्त है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा और अब मुझे ऐसे लगता है कि जो इनके लिए नवंबर, आफ्टर नवंबर 2019 विल बी द टाइम पीरियड जहां पे इनके लिए फाइनल कमिटमेंट आएगी, और इससे पहले ये बहुत ज्यादा डुअलनेस की तरफ रहेंगी. देर आर टू गाइज इन हर लाइफ फिलहाल, हाँ मोर देन वन गाय मुझे लगता है इस वक्त इनकी लाइफ में, और ये वो इनी मिनी मैनामो खा रही है. देखिए मेरी मैनमो में अच्छा वाला मोह ना अजय. ये तो वो सिचुएशन होगी, वो कुछ कुछ होता है वाली नहीं। नहीं यार वो नहीं थी, वो उसको पता था उसने कहाँ जाना. अच्छा ओके ओके. और मैं ये भी बता दूँ, मैं ये भी बता देती जिसने कहाँ जाना है. जी शी विल गो फॉर अ पर्सन, उनके एक इनकी लाइफ में जो कोई भी है वो ऑलरेडी या तो डिवोर्सी है, यानी कि मेच्योर वन है, डिवोर्सी अच्छा है या ओके कुछ इस टाइप ओके का है.
और एक इनकी लाइफ में कोई है जो कि थोड़ा सा कम एज का है या इन्हीं की एज का है, सो शी विल गो फॉर द पर्सन जो के डिवोर्सी है या कुछ इस तरह से, शी विल गो ओ फॉर दैट पर्सन. लेकिन वेट कर रही है वो किस वक्त अपनी उस चीज से, या वो किस वक्त इनको एक सॉलिड कमिटमेंट दे, वो भी उस तरफ नहीं आ रहा है. कमिटमेंट का मसला आ रहा है। अच्छा ये अभी एक और सवाल है, अभी एक सेकंड एक एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड बिंदिया, बात बात सुन लो, और बात सुन लो भाई। सपोज आप ये लिख लो डेटो पर जब ये बात कर रहे हैं तो आप, बिकॉज वो बार बार बेचारे टेक्स्ट कर रहे हैं, नहीं जरूरी नहीं नहीं ना, आखिरी ये बेसिकली मैं इसको रोकना चाह रहा हूँ यहाँ पे, बात सुन लो ना। बेसिकली कर हम लेते हैं उसके बाद फिर रोक देंगे, ठीक है. थर्ड क्योंकि मार्च क्योंकि कल उनकी बर्थडे है यार, पाकिस्तान में तो चढ़ गई बर्थडे है जिसकी सालगिरह है, ठीक है ना. 3 मार्च 1987 और इनका नाम है जुल्कनैन ताबिश खटक, और वो जानना चाहते हैं अब उन्होंने सवाल स्पेसिफिकली क्या किया. दिस डिसाइडेड टू गो एंड स्क्रॉल डाउन, कोहाट में पैदा हुए हैं वो, उनकी जॉब के बारे में जानना चाहते हैं वो. बस ये बता दें उसके बाद देन वी विल हैव अनदर शो विद दिस, दैट विल बी लवली. जॉब 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 के हवाले से ये है कि जॉब कब होगी. आई एम सरप्राइज क्योंकि ऑलरेडी 2016 में इनके लिए कोई अच्छा ऐसा अच्छा सिनेरियो आया हुआ था, और या तो उसमें कुछ ये अपने किसी फैमिली इश्यूज में, किसी फैमिली ट्रबल में फंसे हुए थे, ठीक है, और उस वक्त इन्होंने उसको सीरियसली नहीं लिया, कोई फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उस टाइम पीरियड में. एनी हाउ अब इनके लिए जो है, एक तो फरवरी जो गुजरा है वहां पे कोई ऐसा सिनेरियो बना था जो कि फिर से वंस अगेन कोई प्रेशर है, आई डोंट नो व्हाट, कोई इस टाइप का मामला है. और ये किसी ये एक्चुअली ही वांट्स टू डू सम काइंड ऑफ अ बिजनेस, ये कोई बिजनेस करना चाह रहे हैं, लेकिन कोई ऐसा मामला है जो कि ये जॉब और इस तरफ, लेकिन ये मुझे लगता है किसी बड़ी हाई लेवल जॉब में जाएंगे, आइदर गवर्नमेंट सेक्टर हो या सेमी गवर्नमेंट सेक्टर हो, ही इज वेटिंग फॉर दैट काइंड ऑफ सिनेरियो, लेकिन हो जाएगा. इंशाल्लाह इंशाल्लाह सब सेट हो गया। और इसके साथ ही अभी ये सवालात हम लेने बंद करें, लेकिन ये मैं आपको बताया चलूं, मैं दोबारा से जो है वो स्क्रीन पे जो है स्क्रॉलर को चला देता हूँ, और अगर आप सादिया से जो है वो कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप इनके यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जो कि आपको लिंक हमने मैसेजेस में भी पोस्ट कर दिया है और यहाँ पे भी हम साथ साथ चला रहे हैं, इसको डिस्क्रिप्शन में भी हम जो है वो मेंशन कर देंगे ताकि आप इनका यूट्यूब चैनल भी ज्वाइन करें। साथ साथ अगर आप इनको फेसबुक पे कनेक्ट करना चाह रहे हैं तो ये फेसबुक का इनका जो है वो पेज है उसका लिंक भी गुजर रहा है, स्क्रॉल कर रहा है, इसको भी हम पोस्ट कर देंगे, आप इनसे कनेक्ट हो सकते हैं। सादिया को हम ऐसे नहीं छोड़ेंगे, अभी हमारे साथ चाहेंगे कि रेगुलर आती रहे, शो में पार्टिसिपेट करती रहे और हम इनसे अपने बारे में और साथ साथ बाकी चीजों के बारे में जानते रहे। क्यों शादी आप ये कमिटमेंट It आप is very lovely to be on your show. I am really enjoying. Apart from this, के थोड़ा से हमारे सिग्नल्स ने इशू किया है. Otherwise, this is such a, मुझे पता नहीं चला कि कितनी जल्दी ये टाइम गुजर गया है. And I am बिल्कुल just बिल्कुल बिल्कुल really enjoying your show. और इट इज रियली फन टू बी ओवर विद यू गाइस. डेफिनेटली इट वाज डेफिनेटली फन टू बी विद यू, क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त काफी वक्त हो चुका है. थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू टू आवर व्यूअर्स एज वेल जो हमें इतनी दिलचस्पी के साथ देख रहे हैं. और जैसे कि राणा ने कहा, वी विल कनेक्ट विद यू अगेन एंड ऑफ कोर्स वी विल हैव वी विल डिस्कस समथिंग सो वी कैन हैव अ रेगुलर. हम कोशिश करेंगे कि आने वाले प्रोग्राम्स में ना एक सेगमेंट रखें जिसमें हम सादिया को जो है ना वो या तो वीकली या बाई वीकली जो है हम इनसे कनेक्ट हों और इनसे कुछ जाने अबाउट द द स्टार्स, व्हाट्स हैपनिंग अराउंड, और इनसे जो है वो अगर आप, मैं बार बार कह रहा हूँ कि अगर आप इनसे कनेक्ट होना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, इनकेस डिटेल में जानना चाहते हैं अबाउट समथिंग, हमने इनके जो है वो लिंक्स आपको शेयर करनी है, आप उन लिंक्स पे इनके साथ कनेक्ट हो सकते हैं। फेसबुक पे मैसेजेस का रिप्लाई कर देती है टाइम पे या फिर लोग इंतजार करते करते बूढ़े हो जाते हैं? मैं बिल्कुल रिप्लाई कर देती हूँ. फॉर दोज हु वांट टू टेक एन अपॉइंटमेंट फॉर मी, जो कि जाहिर है कि अपॉइंटमेंट होती है, फॉर डिटेल्स तो बिल्कुल ले सकते हैं. मेरा वहां पे नंबर भी डिस्प्ले है, मेरा ईमेल है, एवरीथिंग इज देयर. Absolutely. So, आप लोग बिल्कुल मन ले सकते हैं. थैंक यू सो मच सादिया, इट वॉज लवली, नाइस टू हैव यू ऑन द शो, और Thank you so much. Thank you. Thank you so much. Take care. Thank you very much. Take care. Allah Hafiz. Allah Hafiz. तमाम लोग जो कि एक दूसरे जो है वो कह गए, हाँ हमने अपने बारे में पूछना था, जानना था, अभी नहीं पता लग सकता, खर्च कर लिया करें, थोड़ा सा डिटेल में जानना चाहते हैं तो उसके लिए इनकी इसमें कोई मजायका नहीं है। और दूसरी बात ये कि बार 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 लगातार लोगों की तरफ से हमें ये मैसेजेस आ रहे हैं जिसको हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं,
कर चुकी है कि भाई ये तो कुफर है और कोई भी नहीं जानता फ्यूचर के बारे में। हम पहले ही चीज को बता चुके हैं कि फ्यूचर एग्जैक्टली तो कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, लेकिन जहां पर लोग बाकी सारी चीजों की थोड़ी सी प्रोडिक्शन करते हैं, कैसे रिया करते हैं और ये जो कितना इल्हाम करते हैं। आप मेरे से एक सवाल का जवाब दे दें, ठीक है, आप जो मर्जी बोलें कुफर है, ठीक है, आई एग्री विद यू टू सम एक्सटेंट, राइट। आप मेरे सवाल का जवाब दें, जब आपको बताया जाता है प्रेडिक्शन करके सुबह बारिश है, आप छतरी लेके जाते हैं या नहीं लेके जाते? व्हाई डू यू लिसन टू दिस प्रेडिक्शंस? वो भी तो प्रेडिक्शन है, बारिश नहीं होगी कल, आपको महकमा मौसमियात ने कहा तूफान आएगा, आप उसकी प्रिपरेशन करते हो तो नहीं करते, या बैठ जाते हो बंद के आगे, अब तो मैं अल्लाह को चैलेंज करूंगा कि वो मेरे पे फेंकेगा कि नहीं? वो गॉड से हम एक तो उस लेवल पे नहीं पहुंचे अल्लाह ताला के इतने जा सके कि अल्लाह को हम चैलेंज कर सके, और हम सिर्फ गाइडलाइंस लेते हैं। सो प्लीज प्लीज फॉर गॉड से, आई डोंट नो व्हाई पीपल जस्ट स्टार्ट जंप ऑन इस्लाम। अच्छा ये ऑल आई नीड टू टेल यू, ऑल आई नीड टू टेल यू, इस्लाम इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बाकी ये फैक्ट है। एक हकीकत जो हमें जो दर पर दर नहीं बताया जाता, हमारे दादा ने बताया, हमारे परदादा ने बताया, ऐसा है ऐसा है ऐसा है ऐसा है, उससे बाहर निकलो, टेक्नोलॉजी है आपके पास, आप खुद पढ़ सकते हो, अच्छा भी पढ़ सकते हो बुरा भी पढ़ सकते हो। वो कहते हर चीज खराब नहीं होती, आपकी नजर होती है जिस तरह उसको देखती है। That's all I need to say. I don't want to comment on that anymore. Anyways, thank you guys. बिंदे गुस्सा आ गया, अरे कैमरा तोड़ने लगी थी बस अभी अपना। No, because Rana Amar, I feel so bad. I feel ashamed. मुझे दुख होता है कि यार ये मुसलमानों कैसे सोचते हैं? यार कौन कह रहा है कि जाके किसी बुत की पूजा करो? कौन कह रहा है? Nobody is saying. But Allah said कि अपनी guidelines सीधी रखो। आपको नसीहत देता है तो उसको प्लीज आप अच्छे से लो और उसको करो। तो प्लीज रिमेम्बर, मजीद अगर आप अपनी काउंसलिंग कराना चाहते हैं तो बिंदिया को भी राब्ता कर सकते हैं इसके पेज पे। And technology, नहीं नहीं, for example, सरदार मज़हर कह रहे हैं technology is nature, that's science. For God, that is the science. यार कुछ messages पहले के भी हमारे पास pending पड़े हुए। कौन? हाँ सरदार जी, please ये भी एक आपका वो है। सरदार जी बस करे। अच्छा सुरैया जान लेगी क्या? और पैजन सादिया निशा कह रही है कि पैजन दो ही चीजें होंगी ना, बेहद नौकरी। नहीं यार सादिया निशा, मैं आपको बताऊँ, दो चीजें नहीं होती, क्योंकि आई डू टैरो कार्ड एज वेल, माय मॉम एक्चुअली डज इट, और लोगों के बड़े बड़े फड्डे होते हैं नौकरी और शादी। ये बेसिकली जो लाइफ के, नहीं नहीं मैं बताता हूँ, लाइफ के जो फड्डों की, सारे फड्डों की जो बेस होती है ना, वो ब्याह और नौकरी होती है। नहीं नो, मेरा नौकरी पैसा होता है, I would rather say पैसा। नौकरी मानती नहीं, अगर आपको अच्छी जॉब ना हो, वो कहती है मैंने तो उसके पास जाना जिसके पास Audi होगी, मैंने BMW वाले के साथ नहीं जाना। उन्होंने अपनी डेट ऑफ बर्थ ली और साथ में राणा साहब इंडिया तो बाज नहीं आ रहा, अमन की बात मत करना, इस बारे में हम बात करेंगे, और साथ कह रहे इस्लाम राणा साहब ये महज एक खाम खाली आर्जा है जो नफ्सियाती किस्म के लोगों को लाहक होता है, हकीकत और सदाकत से इसका बिल्कुल कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन आपने अपनी तो डेट ऑफ बर्थ भी भेजी थी गुज्जर साहब, वो एक गुजरा वे है की कीता जी। राणा मैं तुमने गलत पढ़ा, ये नफ्सियाती है, वो अमन की बात है, प्रॉब्ली अमन को कह रहा है। ये भी हो सकता है, ये हो सकता है मैंने आपको जो गलत अंडरस्टैंड किया हो, और शबकत साहब का मेरा दिल टूट गया, ओए 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 छोड़ दो फैन, नहीं टूटेगा आपका दिल, नो प्रॉब्लम, बिंदिया है ना। नस्तईन जारा कह रही है बिल्कुल शो, थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच, नस्तईन आपको बहुत अच्छी हो, और नूरुलन कैसी के लिए कोई नहीं है, ठीक है नूरुलन आपका ये मैसेज पहुंच गया, और आलिया खान का मैसेज ने पढ़ दिया था, उसके साथ जुल्कनैन आपने भी पूछ लिया हमने, और सैद आपने पूछा अपनी डेट ऑफ बर्थ का, शादी कब होगी और पूरा कामयाब इंसान कब बनूंगा, हमने जैसे आपको बताया कि आप दोनों वो कहते हैं ना कामयाब इंसान कब, आपके लिए कामयाबी क्या है, मेयार क्या है कामयाबी का, ये बात है, ये तो आप बता सकते हैं, कामयाब तब होते ही है, आपने क्या मेयार रखा है कामयाबी का। शफकत साहब अपनी शादी के बारे में पूछ, हो जाएगी शफकत आपकी शादी, आपने तो कहा आपकी जो बच्ची वो बहुत अच्छी है, तो ठीक है हो जाएगी, डोंट वरी, कुछ अच्छा कमाओगे कोई अच्छा कमाएंगे तो है ना भाई, मुंडा कमांदा किन्ना है गया, मुंडा की करता है। नूरुलन कैसी पूछ रही है, बस कंपैटिबिलिटी जहां मिली शादी डन, राणा और बिंदिया को वेडिंग इनविटेशन सेंड, डन हो गया नूरुलन, क्या बात है, और कंपैटिबिलिटी, लेकिन 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 अपनी स्टबर्नेस को, अपनी जिद्दी पने को भी थोड़ा सा कम करें, अपनी डोमिनेशन को भी थोड़ा सा कम करें, ये मैं नहीं कह रहा, ये शादी आपको तो प्लीज उस पर आप अमल कर लीजिए, अगर आप
करना चाहते हो? और आलिया खान के लिए हाउ फनी, ठीक है ठीक है, और मेरी शादी कहाँ होगी? जिससे आप करना चाहोगे उसकी होगी ना, सबका फोन किससे होगी, कहाँ होगी, क्या मतलब बट अब वो जा चुकी हैं और ये सरदार मजहर असलम खान का मैसेज करता जुल्कुरैन ताबिश खान सर मेरा दोबारा से बनाएंगे, मेरा कनेक्शन फेल हो गया था, कोई बात नहीं दोस्त, ये शो जो है वो रिकॉर्डेड आपको मिल जाएगा जब ये लाइव ब्रॉडकास्ट खत्म होगी तो आप जाके रिवर्स करके देख सकते हैं। आलिया खान कहेंगे कोई एक भी नहीं है, आई हेट दिस टाइप ऑफ रिलेशनशिप लाइक अफेयर, आज मेरा इतबार उठ गया है से, तौबा, आपके इतबार के चक्कर मेरा हाथ टूट गया, हाथ टूट गया, कोई बात नहीं, अब नहीं है तो ढूंढे ना कोई ना कोई, कोई छुपा होगा ना कहीं छुपा होगा जरूर मिलेगा, गौर ही ना किया। अच्छा जुल्कुरैन आपका जैसे हमने आपको बताया दोबारा चेक कर सकते हैं ब्रॉडकास्ट के बाद, Aslam sahab, that's what you can see. Badal nazar aa raha hai. Humans, our life can be totally different. ठीक कह रहे हैं आप दोस्त। बिल्कुल आप बहुत सही हो। बिंदिया बिंदिया इतना लेक्चर दिया प्लीज इसको दोबारा मत करो। आप सही हो। मैं हार मान गई हूँ। इसका कोई इलाज नहीं है। जस्ट सेट फॉलोइंग इट। अच्छा मुझे उम्मीद है जॉब लेके रहूंगा। जॉब लेके रहनी है आपने ठीक है और उसके साथ साथ टेक्नोलॉजी इज नेचर एंड दैट साइंस बिंदिया मेरी शादी कब होगी सब शादी की प्रॉब्लम पड़ा मैं भाई हो जाएगी सब शादी यू आर जस्ट 94 में पैदा हुए बच्चे अभी तो आप बहुत लाइक यू नो सरदार साहब कहते हैं बिंदिया व्हाट एवर यू आर सेइंग इज नॉट ट्रू प्लीज आई डोंट नीड टू एग्री विद यू दोस्त हमने कुछ आप कंपटी में कंपटी में बंद माय ओपिनियन योर ओपिनियन ओपिनियन हैज अ डिस्कशन एंड दैट्स इट वे तो इसका बंदा भी इसको यही कहता रहता है opinion your opinion discussion happens that's it no problem but make sure that you take something out of positive out of this discussion ke sirf negativity nahi to aap agar khule dil se kisi cheez ko dekhoge na to aap aapki jo wo kehte hai na nazar badal jayegi andaaz nazar badal jayegi इंशाल्लाह मैं एक बड़ा आदमी बनूंगा इंशाल्लाह और शाहजेब कह रहे हैं कि आई जॉइन द शो फॉर द फर्स्ट टाइम वेलकम टू देसी ऑनलाइन शो शाहजेब और इरानो मैं यू डिडंट कम यू नहीं आए यार एक्चुअली मैं अपने बच्चे को सुलाते सुलाते खुद भी इसके साथ सो गया आपको पता है पेरेंट कि मैं आज रात तो नहीं तो कल मैं जरूर आऊंगा नहीं मतलब नेक्स्ट वीक जरूर आऊंगा और मुझे अच्छा यार मैं भाई बता दिया आपको कि आपको पता लग जाएगा प्लीज इस शो को रिवर्स कीजिएगा इनके साथ लाइव सेशन किया था बड़ा जबरदस्त रहा था बिंदिया देखा था तुमने वो लाइव सेशन जो मैंने नदीम व्यास के साथ किया था मैंने कहा नदीम भाई आप भी तो अपनी बेगम ही की चॉइस है ना इसका मतलब अच्छी अच्छी चॉइस है आपकी बेगम की हम कोशिश करेंगे अभी हमारा समर टाइम शुरू होगा ना आलिया तो फिर हम क्या कहते हैं इंशाल्लाह ताला फिर आएंगे हम 10 बजे आ जाएंगे यूके ये पाकिस्तान समर टाइम हो जाएगा आपका भी बहुत शुक्रिया शाहजेब शफकत आत्मा अजहर माजिद दस्तगीर मेरी क्लास का मॉनिटर होता था फोर्थ में मुझे बड़ा बुरा लगता था ये लेकिन डॉक्टर नाउ पाकिस्तान आर्मी में बड़ा जबरदस्त मेरा दोस्त है बड़ा अच्छा लगा थैंक यू सो मच नाजिया अनवर थैंक यू सो मच एक और मेरी बहुत अच्छी बहन थैंक यू सो मच फॉर योर पार्टिसिपेशन आयशा जमशेद काजिम जाटोए और उसके साथ साथ कैट क्वीन अक्सा काशिफ सबा राणा आलिया खान अजीम शौकत हाशमी नूरुलैन कुरैशी वो उनकी जो है वो लहती हो गई
और उनकी लड़की ऐसी हुई कि जिसपे लोग जो है बड़े शदीद किस्म के सोचता है, और तुम्हें पता वो कपल कौन सा? हाँ तुमने मुझे बताया था, सारा खान और आगा समथिंग। ये है वो आगा समथिंग एंड सारा खान, ये इनका नाम है आगा अली जो कि पीटीवी के एक बड़े मशहूर लॉर्ड सेंटर के एक्टर, उनके बेटे। इनका कपल बड़ा मशहूर था इन द इंडस्ट्री, बड़े लोग जो थे वो रश की निगाह से देखते थे, तो बड़े जबरदस्त कपल चल रहा था। लेकिन आई डोंट नो आखिर ये क्या हुआ कि दोनों जुदा हो गए। इन्होंने जो है वो मोस्ट रिसेंटली इनका ब्रेकअप हो गया है, बड़े अरसे तक इनकी जो है वो मेरे ख्याल में मंगनी चलती रही और ये ड्रामों में भी इकट्ठे आ रहे थे। लेकिन बिंदिया जो ये आमतौर पे शोबिज के जो कपल्स होते हैं इनकी ब्रेकअप होने की रीजंस क्या होती हैं वैसे? रानो मैम मुझे लगता है कि टू मच स्पेंडिंग टाइम विद ईच अदर। यार टू मच स्पेंडिंग टाइम विद ईच अदर, लेकिन एक मुझे मुझे मेरी मेरी नाकस राय के मुताबिक एक ये भी चीज हो सकती है, बिकॉज दे वर कमिंग टुगेदर इन मोस्ट ऑफ द ड्रामास। एक तो वो ये बाल बिल्कुल बिंदिया बात सही कह रही है, दूसरी बात ये कि कुछ कपल्स ऐसे मैंने भी देखे हैं पास्ट में जो के जिनकी तरफ से बंदों की तरफ से आमतौर पर रिस्ट्रिक्शन ज्यादा ये होती है कि भाई अगर कोई ड्रामे में काम करना है तो मेरे साथ ही काम करना है, किसी और के साथ काम नहीं करना है। या यू नो जब आप मीडिया में शोबिज की फील्ड में होते हो तो आप कुछ डिफरेंट असाइनमेंट्स आपको मिलती हैं, और ये जरूरी नहीं है कि आपको असाइनमेंट आपके पार्टनर के साथ आपके हस्बैंड के साथ मिले, आपको कुछ सोलो प्रोजेक्ट्स भी मिलते हैं। तो हो सकता है कि कुछ यू नो उस बात का क्लैश आया और तलाक हो गई, लाइक फॉर एग्जांपल इफ दे वर मैरिड, if they were married, because I'm not sure. They were not married. Let me just check online, because I did say that unki rasm hui thi and all that. Were they married? If they were married, so what happens then? Agar ladki biwi zyada popular ho rahi hai, usko zyada paise mil rahe hain, then banda ho jata hai, ye bhi ho jata hai, and that's very true. Bahut kam aise couples hain jo accept kar sakte hain ki hamari biwi humse zyada bahut ऐसे कपल्स जिसमें मैं आपको बताऊं कि इवन पास में मायरा खान गुजरी है, उनका शी हैड अ लव मैरिज एंड देन फाइनली जो है वो शादी खत्म हो गई बिकॉज़ शी वाज सो मच बिजी, शाइस्ता वाइदी हो गई, और उसके बाद बड़ी बड़ी ऐसे रिलेशनशिप खास तौर पे शोबिज में बहुत ज्यादा आती है। तो बहरहाल इसकी जो भी रीजन है, बट इट वॉज एन अफसोसनाक खबर जिसपे हमें बहुत शदीद अफसोस हुआ, और हम उम्मीद करते हैं कि ये दोनों या तो इकट्ठे हो जाए फ्यूचर में, या नहीं इकट्ठे हो सकते तो फिर यू नो इंडियन, लेकिन उन्होंने बातें बहुत अच्छी की वैसे, मैं उन्होंने बातें बहुत रेलिवेंट की जो हम इंडियन मीडिया देखते हैं। अब जब भी देखो तो वैसा होता है ये कर दिया सबने उसके साथ हो गया, ऑलवेज वेरी अग्रेसिव, और जब वेरी वेरी अग्रेसिव ऑब्वियसली रिएक्शन तो होता है, लेकिन जब हम अपना मीडिया देखते हैं दे ट्राई एंड कॉपी देम टू सम एक्सटेंट, मोस्टली जो लोग हैं ना बड़े आराम से गुफ्तगू कर, आई एम नॉट टेकिंग, इन्होंने बेसिकली आईना दिखाया है अपने अपने लोगों को, अपने मीडिया को, कि वो कहते हैं ना कि जिस तरह मेरे बच्चे आते हैं ना, तो एक मेरा बच्चा जो सबसे छोटा जो मेरा बेटा है ना 5 साल का, वो उसकी कोई बात उसकी मर्जी के खिलाफ होते हैं ना तो वो अपनी बात का स्टार्ट ही रोते हुए करता है, क्योंकि उसको पता है मैं इमोशनल ब्लैकमेल कर दूंगा, चीखना चिगाड़ना शुरू कर देता है जस्ट टू प्रूव हिज पॉइंट। तो बेसिकली द सोनू निगम पॉइंटेड आउट द सेम थिंग कि जो इंडियन मीडिया वो इतना चीखता चिगाड़ता है, इतना ज्यादा झूठ का जो है ना वावेला मचाता है, वो उन्होंने कहा कि हमारा मीडिया इतना हमें इतना कुछ बताता है चीख चीख के, एंड में हम खुद हमें लगता है वाकई हुआ और हमें पता होता नहीं हुआ, क्योंकि लगना शुरू होता है कि हो गया है। तो उन्होंने ये भी कहा कि हम जो इंडियन है हमें थोड़ा हम थोड़े बच्चे गाना जो है ना बच्चों की तरह खुश होना शुरू हो जाते हैं कि हमने पटाखे बजाए तालियां या उसके बाद हम ये नहीं देखते कि अगले का रिस्पांस कैसा होगा। तो पहली गेंद पे ही उनका एक जुमला था कि पहली गेंद पे ही हमें लगता है कि हमने गेंद फेंकी और हम मैच जीत गए। ये दो बाजियां भी हमारी स्क्रीन पर हैं, एक बाजी जो लेफ्ट साइड वाली उनको तो आप जानते हो, पता नहीं आपके लेफ्ट पर नजर आ रही है मेरी राइट पर नजर आ रही है, जो भी है। खैर एक बाजी है बाजी वीना मलिक, एक है बाजी सवेरा भास्कर। वीना मलिक ने जो है ना वो एक अदर ट्वीट किया जिसपे मेरा नहीं ख्याल इतना ज्यादा रिएक्शन बनता था, उन्होंने जब ये अभी अभी अभी
जो विंग कमांडर है व्हेन ही वाज अरेस्टेड, तो वीना मलिक ने कहा कि अभी अभी तो आए हो, अभी तो तुम्हारी खूब खातिर तवाज़ो होगी। तो इसको जो सवेरा भास्कर जो कि आज से कुछ 4-5 साल पहले लाहौर आई थी और इन्होंने पाकिस्तान के प्रोग्राम में पार्टिसिपेट भी किया था और बड़े इन्होंने फखरी अंदाज से कहा था जी पाकिस्तानियों की मेहमान नवाजी खत्म है, यहाँ पर हम लोगों ने पता नहीं रिक्शे का किराया नहीं दिया, बस का किराया नहीं दिया, क्योंकि किसी ने हमसे किराया लिया ही नहीं, इतने मेहमान नवाज है पाकिस्तानी। बड़ी बढ़ चढ़ के पाकिस्तान को जो है ना वो लोगों की मेहमान नवाजी और सपोर्ट का वो किया था। तो इसी चीज की शायद मेहमान नवाजी का जिक्र वीना मलिक ने भी किया, तो इनको बुरी लगी और इन्होंने उसका इतना लाइक देयर ओन मीडिया, इन्होंने इतना एग्रेसिव किस्म का रिप्लाई किया ना कि यू शुड हैव शेम ये वो ब्ला ब्ला ब्ला, वरना खुदा का खौफ करे कोई हर चीज पे इतना ज्यादा रिएक्शन देना बनता नहीं है। बट मेरे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं नजर आई थी वैसे उसके ट्वीट में। हाँ लेकिन प्रॉब्लम नहीं, इसको पढ़ा किस तरह जाए तो ये भी तो है ना, कोई बात है किस किस अंदाज से किस नजर से देखा जाता है उसके बाद जो है ना वो टोन किस टोन में आप समझे जिस टोन में। और इन भाई के बारे में आप कुछ कहना चाहती हैं? ये तो हमारे लुक यार आई डोंट ब्लेम ही लिव्स इन इंडिया एंड लुक इंडियंस ने अगर ये बेचारा मैं देखो आई एम नॉट टेकिंग हिज साइड लेकिन जस्ट ऑन ए न्यूट्रल ग्राउंड अगर मैं सोचूं ठीक है, मैं ना सोचूं कि मैं पाकिस्तानी हूं, मैं ना सोचूं कि मैं इंडियन हूं, ऑन ए न्यूट्रल ग्राउंड अभी बेचारे की वो क्या प्रॉपर्टीज जब्त हो गई थी पिछले 2-3 साल पहले वो उस बेचारे इतना पुल करके निकल के आया। अगर नवजोत सिंह सिद्धू जैसे बंदे को इंडिया ने नहीं छोड़ा, अगर ये पाकिस्तान के बारे में कुछ भी करेगा तो इसको क्या करेंगे। So he needs to, like, you know, be on a safe side. ऐसे लोग भी होते हैं जो safe खेलते हैं हमेशा, जिस मुल्क के हो, जो कहते हैं ना, live the way the rules are. ऐसा देश वैसा base, ऐसा देश वैसा base. हाँ बिल्कुल, ये मैं इस बात से agree करता हूँ कि even you know अदनान सैनी खान, इन्होंने अपनी पाकिस्तानी citizenship give up कर दी है because उनको अपना इंडिया में करियर नजर आ रहा था। ये और बात है लोग उनको constantly ट्रॉल कर रहे हैं कि भाई हमारा एजेंट है ISI का पाकिस्तान, वो इंडिया में खूब अपना जो है वो जबरदस्त तरीके से काम करता रहा है। अगर कर रहे हैं तो अच्छी बात है अदनान, आई एम हैप्पी। अगर नहीं कर रहे तो दैट्स फाइन, आपने जिस मुल्क को डिसोल्व कर दिया व्हाई वुड आई गेट एंग्री ऑन यू। बिकॉज़ आपने अगर एक बात ये बोलना चाहती हूँ, अगर कोई आपके साथ मुंसलिक नहीं रहना चाहता मैं उसके साथ मुंसलिक क्यों, आई डोंट वांट टू सी दिस पर्सन एज़ वेल, सो लेट जस्ट दिस गाय लिव हाउ ही वांट्स टू लिव। और दूसरी बात ये कि चाहे टॉकिंग अबाउट अदनान समी खान, जिस तरह सानिया मिर्जा की भी ट्वीट आई जिसमें सानिया मिर्जा ने भी ऑब्वियसली बात है जय हिंद और ये सारी बातें की, और फिर जो जो भी लोग पाकिस्तान के या लेट्स सपोज इनकी डायरेक्टली इनडायरेक्ट लिंक है पाकिस्तान के साथ, जैसे सानिया मिर्जा का हस्बैंड इज शुएब मलिक हु इज अ पाकिस्तानी, एवरीबॉडी नोज दिस थिंग। तो भाई इन लोगों को अपने मुल्क में सरवाइव करने के लिए अपनी गवर्नमेंट्स को कुछ करना पड़ता है, इनको जो है वो अदरवाइज वहां पर इतनी एक्सट्रीमिज्म पाई जाती है कि आप जरा सी कोई बात पाकिस्तान की फेवर में कर दें आपकी ऐसी की तैसी फेर जाती है। जिस तरह से दुनिया ने बताया नवजोत सिंह सिद्धू वो इज अ पॉलिटिशियन, उनकी ऐसी की तैसी फेर एब्सोल्युटली, और उसके साथ साथ खुल के बोलता है इस बार क्यों पाकिस्तान की फेवर करता है, ही एक्चुअली ब्रिंग्स द अच्छी बात करता है, सच्ची बात करता है, सच्ची बात करता है। और उससे पहले इंडिया के एक मैं कहता हूँ वन ऑफ द लेजेंडरी इंडियन एक्टर ओम पुरी अनफॉर्चुनेटली उसी नफरत का शिकार हो गए, और उस नफरत का वह इज्जत तक शिकार हो गए कि एक ऐसा एक्टर जिसने अपना सक्सेसफुल करियर गुजारा सक्सेसफुल, उसकी मौत इतने बुरे तरीके से हुई कि जिसपे अफसोस होता है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस एग्रेशन दिस हेट which unfortunately Indians gave him in there. और मैं बताऊं कि अभी recently जो इंतहा पसंद है Indians, उन्होंने कहा है कि सानिया मिर्जा because she is connected to brand ambassadors नहीं बनाना चाहिए किसी का, yeah she's from your country, please खुदा के लिए, you know some people can't have sense whether they live in Pakistan whether they would live in India, they need to have sense. एक जो है ना वो उन्होंने कोई ऐसे बात नहीं की, उन्होंने पीस की बात की, तो उसपे शान का जो रिप्लाई था वाज क्वाइट एग्रेसिव। तो भाई यार हर मतलब देखे, मैं अनिल कपूर की ट्वीट आई थी और मुझे बड़ा वो एक अच्छा ट्वीट लगा कि ये जरूरी नहीं है कि हमने हर चीज में अपनी टांग अड़ानी है या ट्वीट करनी है या बात करनी है, कई जगह बहुत सारे एक्टर्स हैं दोनों साइड्स के, कई मतलब खामोशी इख्तियार करना इज गुड टू। जिस तरह से
बहुत सारे एक्टर्स जो के मेन हैं उन्होंने बोला ही नहीं, उन्होंने दे डिडंट बॉदर टू टॉक अबाउट दिस स्टफ बिकॉज आपको नहीं पता भी हालात खराब चल रहे हैं, फ्यूचर में हालात सही हो जाते हैं तो बाद में यही बातें जो है ना फिर कोर्ट की जाती हैं आपकी कि जी ये इस तरह से। आतिफ असलम कुछ नहीं बोला, राहत फतेह अली खान कुछ नहीं बोला, भाई उनको पता है कि हम लोग अभी तो फिलहाल उनका नहीं है सिलसिला, लेकिन इंडियन मूवीज के जो गाने हैं उनकी हिट होने की जो गारंटी तभी होती है जब आतिफ असलम का कोई गाना हो या राहत फतेह अली खान का गाना हो, फिर मतलब इस तरह से दे आर क्वाइट। अली जफर ने पाकिस्तान के हक में बयान दिया, पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस को उन्होंने फेवर किया, तो अली जफर की ट्रोलिंग स्टार्ट हो गई इंडिया में। और इंडियन एक्ट्रेस तापसी पन्नू जो कि आजकल बहुत ज्यादा आ रही है मूवीज में, उन्होंने अली जफर के साथ एक दो मूवी भी की थी कुछ साल पहले, तो उन्होंने कहा कि भाई आप क्यों उसको ट्रोल कर रहे हो, वो पाकिस्तानी है और वो पाकिस्तान की बात करेगा, इसमें क्या प्रॉब्लम है, क्या क्या टेंशन है, क्या परेशानी है, लेकिन लोग की कभी खुश नहीं होते। तुम्हारा ये कुछ तस्वीरें थी, थोड़े से कमेंट दिए और कोशिश करेंगे कि हम जो है वो और भी इस तरह की चीजें लाते हैं कुछ मैसेजेस और उसके बाद हम आपसे इजाजत चाहेंगे। और जी शफकत चश्मे बना, मैंने गूगल भी कर लिया चश्मे बनती क्यों करते हैं। देखो बेसिकली इंडियंस जो है ना वो नहीं करते पाकिस्तानियों से नफरत, इट्स द गवर्नमेंट एंड द मीडिया। अगर आप आम जनता वाले बंदे से पूछोगे ना किसको अपने मुल्क से मोहब्बत नहीं होती, पहली बात नहीं है, है ना, तो इसी तरह उनको भी अपने मुल्क से मोहब्बत, जो उनको दिखाओगे वही वो समझेंगे, लेकिन आप आम लोगों से बात करोगे ना बेसिक लेवल पे जाके तो उनको उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है पाकिस्तान से, दे लव पाकिस्तान। सही बात, सही बात। अगर हमारे पाकिस्तानियों से भी बात करूं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं इंडियन से, दे विल हैव द सेम फीलिंग, दे लव इंडिया, बट ये पॉलिटिक्स जो खेल है ना सबसे वो कहते हैं ना बुरा है पतंदा है ये। सरदार मजहर असलम खान थैंक यू सो मच गाइस, बहुत स्पेशल टाइम हमने लोगों को कर रहा आपका मैसेज पढ़ दिया था साथ साथ सब के लिए मैं मैंने कहा अशफकत का एक दिल मेरे लिए एक बिंजा है, बहुत बहुत शुक्रिया। अब इस कह रहे हैं सर मेरा गिफ्ट कहाँ है, किड़ा गिफ्ट, कौन सा गिफ्ट, कौन सा गिफ्ट, गिफ्ट आप हमें दे रहे हैं अच्छा जी शफकत साहब बता रहे हैं हमें कि उसकी तलाक हो गई है, तलाक नहीं हुई है और आलिया खान ने बताया कि वी वर नॉट मैरिड। और मैं तलाक की ज्यादा शोबिस कपल्स की तलाक की शुरुआत शरा ज्यादा है गलत है क्योंकि जो आम लोग हैं आम लोगों को जानता कौन है, ठीक है ना, क्योंकि आम लोग लग जाता होता तो पता लग जाता, तो ये शरा की बात नहीं है, ये तलाक किसी को भी हो सकती है। और वो पिछले क्या वजह है और वजह बताइए साजिद निशा ने कि ये सोसाइटी को कबूल नहीं कि पूरे इत्माद लड़कियां, और ये मेरा तजुर्बा नहीं, ऐसा भी नहीं, आई एम सॉरी टू सजेस्ट सादिया, ये बात जो है ना ये कुछ हद तक सही भी है, कुछ हद तक सही भी है और कुछ हद तक नहीं भी सही है, ये डिपेंड करता है। और ये मैं आपको बताऊं, ये आप पर्टिकुलरली हमारी सोसाइटी को ब्लेम नहीं कर सकते, गोरों के अंदर भी ये चीज है बहुत ज्यादा। पता है क्या मसला है, डिवोर्सेस क्यों होती है, आपकी एक्सपेक्टेशंस जो शादी से पहले होती है और शादी के बाद नहीं रहती पूरी, वो हकीकत की तरफ आना शुरू होती है, फिर वो तानेबाजी शुरू होती है, तुमने ये कहा था, मैंने ये कहा था, पर तुम तो कहती थी, पर तुम तो कहते थे, और फिर उस अगर वो बहू आपकी पसंद की नहीं है तो वो सास से भी थोड़ा सा मिर्च मसाला ला के, मैंने तो पहले कहा था ये लड़की नहीं अच्छी, सो इस तरह फूड वो कहते ना ब्रेन पॉइजनिंग होती रहती है। एक मैं बात बताऊं, ये अपने बच्चों की बड़ी कपत्ती सास होगी, बड़ी एक कपत्ती सास होगी जो बैठी हुई है ना, हाँ ये कहती है ना वो, मैं देखता हूँ ना इसको, उफ तौबा, अल्लाह माफी, अल्लाह माफी, अल्लाह माफी, मैं अपनी मैं बेटी का बाप होता मैं कभी भी इसको बेटी नहीं, कैसी फजूल बातें करते कभी कभी, तुम्हें पता है तुम्हारे बेटे पे किसी को शक नहीं है, तुम्हारा बेटे बहुत अच्छे है, लेकिन माँ एडी कपत्ती माँ एडी एडी माँ है बेचारी मासूम सी, मासूम सी माँ पानी पी के जो है पानी पी के पुटी हुई है। राणा एंड बिंदिया जी डोंट माइंड एंड टेक मी सो सीरियसली, मैं दिल में आता हूँ समझ में नहीं आता। सरदार जी let me tell you something, बस प्लीज मैसेज खोलना, प्लीज मैसेज दोबारा करना, मुझे लगा यू नो व्हाट आई वंस आई रेडी फर्स्ट टाइम मुझे लगा राणा एंड बिंदिया जी डोंट माइंड डोंट टेक मी सीरियसली, डोंट टेक मी सो सीरियसली, मैं दिल में आता हूँ समझ में नहीं आता, एडे तुसी सलमान खान आप दिल में आते हो, नहीं नहीं देखनी है तुसी इंडियन फिल्म है
गल्ला करनी एस्ट्रोलॉजी हराम है, बस करें आगे चले प्लीज। थैंक यू। नहीं, दिल में आता, समझ में नहीं आता, लेकिन मुझे दरख्त पे जरूर आते हैं जिस दरख्त से टेक लगा के अपनी तस्वीर लगाई। सोनू निगम ने आज हमारे आज के भारत के लोगों में तभी सीखनी चाहिए, हमने भी यही बताई थी। और बिल्कुल मलिक को तलाक हो गई अनफॉर्चुनेटली, असद मलिक से हाँ बिल्कुल, और मुलाकात में आई थी। इंडियन मीडिया वॉज सो ड्रामेटिक जस्ट फॉर द डेट, एज वी कैन सी पाकि मीडिया स्टार्ट फॉलोइंग बॉलीवुड और ड्रामाज एंड फिल्म्स, लकली नॉट न्यूज मीडिया। हम अच्छी चीजों को फॉलो करें तो अच्छी बात है, जब बुरी बुरी चीजों को फॉलो करना शुरू करते हैं देन इट स्टार्ट्स हर्टिंग। यार ऐसा क्यों, लेकिन हमारे मोस्टली जो डिस्कशन वाले प्रोग्राम है वो शाउटिंग पे नहीं होते, शाउटिंग पे नहीं होते। सही करी ईमान, ईमान अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, नाम पूरा नहीं लूंगा। बहुत अरसे बाद आया आई आप, ओके छोड़ो, बहुत अच्छा लगा, ये नहीं जीती जाती पाकिस्तान स्टैम्प कभी नहीं जाने वाली, he will regret all his life। वो देखते हैं क्या होता है, हाल फिलहाल कुछ रिग्रेट नहीं करता, देखो आप इंडिया रहे तो उसको इंडियन रहने दो प्लीज, लेट हिम बी। इंडियन पाकिस्तान से नफरत क्यों करते हैं, सबके साथ इस बारे में हम जितने जरूर बात करेंगे, सबके साथ जेलस होता है बिकॉज वी आर स्मार्ट, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। सबके साथ आपके पोज के सामने मैं कहता हूँ सलमान खान शाहरुख खान सब फारिग है, सब फारिग है, लेकिन फेलो कुलीग्स भी पसंद करते हैं कि आप पूरे एतमाद ना रहे। सादिया निसाब, मैं आपकी बात से कुछ थोड़ा बहुत जरूर हूँ और कुछ थोड़ा बहुत कोशिश करेंगे कि कुछ अच्छी अच्छी खवातीन से आपको तो जो है इंटरेक्ट करवाएं जिन्होंने अपनी लाइफ में कुछ अच्छा किया हुआ है, जिन्होंने अपनी लाइफ में कुछ अपने महदूद सर्कमस्टेंसेस में अच्छी आउटपुट दी या फिर उन्होंने बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज में कुछ अच्छा किया, सो डेफिनेटली वी विल टॉक टू दोस वुमेन एज वेल। और जो लेकिन वो जेलसी तो हो ही जाती है, आजकल आई एम फेसिंग दैट, सो इट्स ओके, आई एग्री विद दैट। लेकिन रिश्तों की बात है ना, ऐसे लोगों को सर पे चढ़ा रहे, मुझे पता दुख कहाँ होता है जब औरतें जो ना मर्दों को ज्यादा सर पे चढ़ा लेती है, कभी कभी मैं चढ़ा लेती हूँ, राना मैर को शो में भी है, बोलता रहता है मैं कहती चल यार बोल रहे इट्स ओके, सारे मैसेज यही पढ़ ले, पर ये छुट्टा देखे दिमाग पे हावी हो जाता हूँ बेचारी हिना कैसे रहती होगी, ये बेचारा बोल बोल के रिस्पेक्ट फॉर हिना, रिस्पेक्ट इसी बात पे सरदार मजर ने कहा कपत्ती माँ, हाँ क्यों नहीं, देखो माँ कभी कपत्ती नहीं होती, ठीक है ये याद रखना। दूध पत्ती होती है, ये आप सोच सकते हैं कि आपने मैंने किस जुमरे में कहा है, माँ कपत्ती नहीं होती, ठीक है हर एक आप भी चार सांसों के इक्वल। थैंक यू कैट, कुछ देखो यार, थैंक यू यार, सबको पता है ये बंदा इसकी जो है ना फुफो होल करके कहती है कि बेटा तारी को भी बोलने दिया कर, तुझे क्या हो जाता है, केड़ी ए मेरी केड़ी फुफी है जेडी तेनु फोन करती है, मैं नहीं फोन करती, फुफो नहीं खाला है, तुम्हारी खाला सॉरी खाला फोन कहती करके कहा था ना, मेरी अम्मी कहती है अच्छा कहता है, मैं सो हमारा बहुत अच्छा, वो जो जो डबल लग रहा था ना, तो मैं वो हार्ट है और दो दिल निकल रहे हैं इमोजी के साथ ऐसे करके, दो दिल निकल रहे हैं, मगर सीरीज आपकी तरह लग जा रही है, लेकिन हमने जाना है भाई, बहुत लंबा शो हो गया है और आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। अच्छा आपका शुक्रिया, और अच्छा एक बात बताऊं, सरदार मजहर असलम खान साहब, ना औरतों में अक्ल ज्यादा होती है ना मर्दों में अक्ल ज्यादा, ये कभी नहीं होता है। देखो अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा कि मर्द अशफुल मखलूकात है, अल्लाह ताला ने कहा है कि इंसान अशफुल मखलूकात है, इंसान में मर्द भी आते हैं औरत भी, सभी सोचने की बात है थोड़ा सा, अगर ये दरख्त पर लटक के ना तो शायद
आपको थोड़ी अकल आ जाता तो अलग ही से। शफकत साहब कह रहे हैं माँ लफ्ज कितना प्यारा, बिल्कुल बहुत प्यारा है। और उसके साथ बिंदिया जी यू आर राइट, माँ कभी कपति नहीं होती, आई एम सॉरी, मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूँ। थैंक यू वेरी मच। एंड इसी बात पे बिंदिया, बिंदिया आप जो है ना इजाजत चाहेगी सबसे। हाँ मैं चाह जाऊंगी, यही बात कहूंगी कि हमेशा अपना ख्याल रखें। हाँ जो मीडिया पे देखते हैं उसकी पुष्टि यानी कि उसको जो है ना क्या कहते हैं कंफर्मेशन जरूर करें। हर चीज जो मीडिया पे देखती है वो सच्ची नहीं होती। लोग अपने जो है ना जज्बात, अपनी ओपिनियन नेटेड जो है ना वो प्रोडक्शन आपको दिखाते हैं। ओपिनियन अपनी खुद बनाएं, ना कि किसी से वो कहते हैं ना क्या करके हो जाए फोकस करके या किसी से जिस तरह मीडिया भी डीफोकस हो रही है क्योंकि पीछे उसका बच्चा उसको बुला रहा है। नहीं मैं डीफोकस नहीं हो रही, मुझे भूख लग रही है असल में। ओके ओके ऑलराइट फाइन। तो उसके साथ ही यही बात है कि ऑलवेज अच्छे की आवाज है। थैंक यू वेरी मच, आपका साथ हो तो अच्छा लगता है। चाहे आप अच्छी बातें करो बुरी बातें करो, पता तो लगता है कोई देख रहा है कोई सुन रहा है। दैट्स व्हाट मैटर्स या इसी बात के साथ ऑलवेज अच्छे की आवाज ऑलवेज फॉलो यहां की सभी अच्छे की आवाज एंड टेक केयर। बात की उसके बाद हमने कुछ न्यू डिस्कस की। शो थोड़ा सा प्रोलॉन्ग हो गया हमारा, लेकिन आई वी रियली एंजॉय द शो। फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगला शो हमारा वुमेन्स डे पर होगा, उसपे हम अच्छी अच्छी खवातीन को लेकर आएंगे अपने शो में और वुमेन राइट्स की बात करेंगे और उस पे भी जो है वो डिटेल डिस्कशन होगी। टिल नेक्स्ट टाइम टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। इट्स मी मेयर साइनिंग ऑफ। बिंदिया सिंह योर ऑफिस एंड वी लव यू ऑल।